तो ओके नाइस शेयर्स तो आप सबका स्वागत है आज के दोपहर के क्लास में तो पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था 40 से श्लोक तक लगन हुआ औरश तो हम शुरू करेंगे उच्चारण तो सब अनम्यूट करके उच्चारण कीजिए न तद पृथ्वी याम वा। दिवी देवेशु वा पुनः दिवि देवेशु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर मुक्तं सत्वं प्रकृतिजैर मुक्तं ये दिवी सात्रिभेर गुणे ही ये दिवी सात्रिभेर गुणे ही हाँ रिटा माता जी इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं भावार्थ जी प्रभु किस लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के कील गुणों से मुक्त हो यस धन्यवाद माता जी हरे कृष्णा तो इसलिए अभी हमने आ, पिछले क्लासेस में देखा अलग-अलग प्रकार के अगर हम देखेंगे तो अलग-अलग प्रकार की बुद्धि कैसी होती है फिर कर्ता कैसा होता है और उसकी जो धृती होती है वो कैसी होती है हमने देखा तो इसलिए हर एक चीज़ जो हमारे शरीर में है सूक्ष्म शरीर में है स्थूल शरीर में है हमारी इंद्रिया ये तो सभी जो है ये प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होती है तो इसलिए ऐसा कोई भी इस जगत में नहीं है भगवान यहाँ पर कह रहे तो ना ही वो देव चाहे वो आप देवलोक में चले जाइए पृथ्वी लोक में चले जाइए लोक में जाइए कहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो ये तीन गुणों से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो तीन गुणों से बंधा हुआ ही है तो इसलिए हमें जो ये भगवान ने हमें अध्याय बताए है विशेषकर चौदह अध्याय तो चौदह अध्याय को हमें बार बार उसको पढ़ के उसको आत्मसात करना चाहिए तो उससे क्या होगा कि हमें समझेगा प्रत्येक व्यक्ति हमें पता चलेगा किस तरह से तो यहाँ पर प्रपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक जो जीवात्मा है वो तीन गुणों से नियंत्रित होता है तो अभी भगवान कृष्ण हमको बताएंगे कि किस तरह से अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है तो हमें खुद को जानना चाहिए कि हमारा क्या स्वभाव है और फिर उस स्वभाव के अनुसार जैसा सोलह अध्याय में बताया गया है वैसा हमें अनुचर अनुसरण या हमारा जो कार्य वो करना चाहिए तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा तो अभी हम अगले जो चार श्लोक है एक में उच्चारण करेंगे तो उसमें बताया गया कि अलग अलग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध के क्या क्या लक्षण होते हैं और फिर उनके क्या क्या कार्य होते हैं तो अभी हम देखेंगे तो हम एक साथ उच्चारण करेंगे पहले चार श्लोक फिर बाद में एक साथ उसका भाव हाथ ब्राह्मण क्षत्रिय विषानाम ब्राह्मण क्षत्रिय विषा शूद्राण पर कर्म प्रभक्ता स्वभाव प्रभव अभी इसमें ब्रह्मांड का गुण आएगा शमतम तप शौच तो शांति ज्ञान विज्ञान आस्तिज्ञ स्वभावज कर्म फिर अभी नेक्स्ट जो है क्षत्रियो का

चाक्रम, चाक्रम, कर्म, सुभाव जम। अभी वैश्य और शूद्र का गुण बताएंगे वैश्य कर्म स्वभावज परिचर्यात्मक कर्मचर शूद्रस्व तो अभी परमेश्वरी मानते जी आप इसका भावार्थ पढ़ सकते हैं जी प्रभु जी Hmm. 41 से लेकर तक पढ़िए। hmm. okay. ओके, पर ब्रह्म ब्राह्मणों क्षत्रियो वैश्य तथा शूद्रो में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है आगे। शांति प्रियता आत्म संयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता तत्व ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता के ये सारे स्वाभाविक गुण है जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं वीरता शक्ति संकल्प दक्षता युद्ध में धैर्य उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है हाँ अभी अगला थोड़ा धीरे से पढ़िए हाँ और एक है कृषि करना गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और क्षूद्रो का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है हरे कृष्णा हरे कृष्ण तो अभी मैं एक स्लाइड शेयर करूंगा तो यहाँ पर अभी आपको हरे कृष्णा तो यहाँ पर हमने देखा कि भगवान ने कहा है चौथे अध्याय के तेरहवें श्लोक में चातुर्वर्ण मयासृष्टम पूर्णकर्मा तो अलग अलग जो वर्ण है तो ये सब भगवान ने निर्माण किए है तो उन वर्णों में क्या है कि अगर आप कहीं भी जाइए कोई भी समाज में जाइए तो आपको हर जगह ये वर्ण आपको नजर आएंगे तो जी कहते कि जो पाशा देश में बोले गए यहाँ पर तो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है ऐसा कोई कहेगा लेकिन ऐसा नहीं है तो हर जगह आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपको मिलेंगे तो अभी उनके क्या क्या गुण है वो अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर भगवान ने लिस्ट बताई है तो अगर आपको याद हो तो हमने सोलह अध्याय के पहले से लेकर तीसरे श्लोक में देखा दैवी गुण तो दैवी गुणों में भगवान ने प्रत्येक आश्रम का और वर्ण का गुण वर्णन किया है तो पहला है जो ब्राह्मण का गुण है वह शांति प्रियता तो जो ब्राह्मण होता है एक मिनट गला खरा तो जो ब्राह्मण होता है वो शांति प्रिय होता है क्योंकि उसको पढ़ाई करना होता है इस तरह से और वो सत्व गुण में होता है दूसरा आत्म के ऊपर खुद के ऊपर संयम होता है और वो तपस्या करता है तो हम देखते हैं कि जो द्रोणाचार्य है तो वो भी ब्राह्मण होते हैं वर्ण से लेकिन वो ऑक्यूपेशन कौन सा रहता है क्षत्रिय का इस तरह से तो ब्राह्मण के गुण कौन से शुद्धता तो हम देखते हैं कि सत्व गुण का एक गुण है शुद्धता फिर सहिष्णुता और प्रामाणिकता तो ब्राह्मण के जो गुण है या कर्म है वो है पठन पाठन यजन याजन दान और पति पतिग्रह इस तरह से परिग्रह तो जो ब्राह्मण होते हैं मुख्यतः वो क्या करते हैं कि टीचिंग करते हैं हम देखते हैं तो पठन यानी कि पढ़ना और पाठन यानी कि पढ़ाना इस तरह से तो इसमें ये लोग माहिर होते तो हम देखते कि अभी कोई पूछे कि अरे इस जमाने में तो हमें कहीं भी ब्राह्मण नजर नहीं आ रहे तो ऐसा नहीं है तो जो भी लोग पढ़ने का काम होता है साइंटिस्ट हो गए या प्रोफेसर हो गए या टीचर्स हो गए तो ये सब ब्राह्मण में आते हैं जो पढ़ते और पढ़ाते हैं फिर यजन और याद यानी कि जो भी भगवान की पूजा करते हैं यज्ञ आदि करते हैं तो वो भी उसी में ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं और जो लोग दान स्वीकार करते हैं हम देखते हैं और दान देते हैं तो ब्राह्मण का एक कर्तव्य है कि उसको दान देना भी चाहिए जो उसको चीज नहीं आवश्यक है वो दान कर देता है इस तरह से तो ऐसा ये उसके गुण है रागे बुद्धिमत्ता और धार्मिकता तो ये जो गुण है ये ब्राह्मण के गुण है तो हमने देखा कि ये पूरी तरह से शुद्ध ब्राह्मण नहीं होता है।, शुद्ध होता है ना ही शुद्ध क्षत्रिय होता है ना ही शुद्ध वैश्य और ना ही शुद्र तो उसमें ये अलग अलग गुण मिश्रित होते हैं तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि अगर हमें एक गुण उसमें नजर आ रहा है जैसे कि अगर वो बहुत तपस्वी है तो हमें जानना चाहिए कि ये ब्राह्मणत्व से उसमें आया है सिर्फ अगर उसमें एक गुण है कि वो तपस्वी है इसका अर्थ वो पूरी तरह से ब्राह्मण है ऐसा हम बोल नहीं सकते तो उसके सारे गुण का विश्लेषण हमें करना चाहिए फिर हमें निर्णय लेना चाहिए फिर दूसरा है क्षत्रिय तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक आदमी तलवार लेके लड़ाई कर रहा है तो शत यानी कि क्या कि हिंसा से या क्षति से या नुकसान से त्र यानी कि त्रते जो हमें नुकसान से बचाता है या जो हमें रक्षा करता है उसको कहते हैं क्षत्रिय तो इसलिए अगर किसी को हम को बचाना है तो उसमें सबसे पहला गुण कौन सा होना चाहिए कि हीरोजम या शौर्यो डरना नहीं चाहिए फिर उसमें शक्ति होनी चाहिए अगर कोई हमें जबरदस्ती परेशान कर रहा है तो उसको अच्छा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसमें शक्ति होनी चाहिए ऐसा नहीं कि निर्बल है तो उससे उसमें श, श, शक्ति होनी चाहिए फिर उसमें डिटर्मिनेशन धुति होनी चाहिए मैं कोई भी कार्य जो निश्चित करूंगा तो उसको करके रहूंगा तो हम देखते कि इसमें जो शिवाजी महाराज से तो वो एक क्षत्रिय हम कह सकते आदर्श क्षत्रिय तो उनमें बुद्धिमत्ता थी दृढ़ता थी तो इतने सारे जो यवन लोग थे तो उनके साथ अकेले उन्होंने युद्ध किया और हम देखते कि जो भारत का दक्षिण भाग है पूरा उसका सुरक्षा है उसके कारण तो इस तरह से फिर चौथा गुण है कि उनके पास रिसोर्सफुलनेस यानी उनके पास जो है सभी जो चीजें आवश्यक है वो उनके पास रहती है तो जैसे कि उनके पास खजीना होता है घोड़े होते हैं ये सब जो है या फिर जो भी चीज उनको लगती है इस तरह से। फिर युद्धे च पलायनम यानी कि क्या युद्ध भूमिओ कभी भागते नहीं है तो इसके संदर्भ में एक उदाहरण है एक कथा है जो मैं आपको बताऊंगा मैं प्रयास करता हूं अगर उसका फोटो भी हो सके तो थोड़ी कहानी लंबी है लेकिन फिर भी आपको आ, समझने के लिए आसान होगा तो क्षत्रिय ने क्या होता है इस तरह से तो ये जो कहानी प्रपाद ने कही है उस जमाने की बात है जब यवन लोग या जो आ, जो और उस समय के जैसे लोग थे तो उस समय की बात है तो एक बहुत ही विख्यात ऐसे हिंदू राजा था तो बहुत ही वो शक्तिशाली था और वो भगवान को समर्पित भी था तो वो उसका राज्य चलाने का लेकिन उस समय ही ये सब यवन लोग आ गए और उन्होंने अपना अपना जो है शासन वहां पर चालू किया तो जब ये जो यवन लोग या मुस्लिम लोग जब भारत में पहली बार आए तो उन्होंने उनको उन्हों रोका अरे ये सब यवन लोग आप कुछ यवन या फिर सो कहते हैं कि जो वैदिक धर्मों का पालन नहीं करता या जो उसके विरोध में कार्य करता है उसको यवन कहते हैं या मुस्लिम तो उनके पास हजारों लाखों लोग थे तो उसने उत्तर भारत को परीक्षा से आक्रमण किया तो उस उत्तर भारत में जो पंजाब क्षेत्र है तो वहां पर एक छोटा सा राजा रहता था जिसका जो छोटा सा ऐसा उनका सैनिक था ज्यादा बड़े लोग नहीं थे लेकिन उस समय ब्रहपाद गति के जो क्षत्रिय थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे और वो भगवान को समर्पित थे तो उन्होंने सत्रह बार जो है उस मुस्लिम राजा को रुका अपने शौर्य और पराक्रम के द्वारा कभी वो डरा नहीं इस तरह से तो आप सब देख सकते कि वो जो यवन सैन्य था मुस्लिम का आर्मी वो इतना बड़ा था और ये जो हिंदू का जो सैन्य था वो बहुत ही छोटा था लेकिन जो हिंदू लोग थे या जो हमारे सनात धर्म के जो क्षत्रिय थे तो इतने दृढ़ संकल्पित थे कि उन्होंने फिर भी अपनी हार नहीं मानी और हर समय हालांकि उनका जो गट बहुत छोटा था फिर भी उन्होंने उनको हरा के भगा दिया सत्रह बार ऐसा हुआ लेकिन हर समय क्या हुआ कि आ, उनने उस मुस्लिम राजा को पकड़ा और उसको छोड़ दिया तो क्योंकि हमारे इसमें कैसे कि जो व्यक्ति शरण में आ गया उसको हम कभी भी मारते नहीं या जो आ, दुर्बल है या जो बिना शस्त्र के उसको मारते हैं तो और साथ साथ क्षत्रिय का एक गुण है कि दया भी करना तो कहते हैं कि क्षत्रिय है वो लोगों का नियंत्रण करता है लेकिन साथ साथ उसमें दया भी होनी चाहिए तो ये जो राजा था वो ऐसे आदर्श था उसने भी उनको दया दिखाई तो उसने कहा कि ठीक है मैं सत्रह बार उसको पकड़ा लेकिन उसको मारा नहीं तो फिर हम देखते कि उस मुस्लिम राजा ने दूसरे हिंदू के साथ दूसरा जो राजा था उसके साथ गठबंधन किया और उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या हुआ और जो पहला हिंदू राजा था धार्मिक उसको हरा दिया तो फिर उसको बंदी बना लिया तो फिर वो जो यवन राजा उसने क्या कहा कि देखो सत्रह बार में आपने मुझे हराया और फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया लेकिन मैं आपको छोड़ने नहीं वाला हूं तो इसलिए ये जो क्षत्रिय राजा थे वो जो मुस्लिम है तो वो वह सच्ची में क्षत्रिय नहीं होते तो वो हमेशा क्रूर होते हैं इस तरह से अब देखते हैं औरंगजेब कैसा क्रूर था तो वो कहता कि मैं आपका सर जो है काट दूंगा करके तो लेकिन वो उसको कहता कि मैंने ऐसा सुना है कि आप क्षत्रिय तो है, लेकिन साथ साथ आपका जो धनुष बाण का जो विद्या धनु विद्या धनुविद्या बहुत अच्छी है तो इसलिए मेरी इच्छा है कि आप सौ मीटर की दूरी से एक निशाना लगा और उससे उससे मैं देखूंगा कि आपका कैसा निशाना है करके तो एक पंख पंछी कबूतर जैसा उसका मैं रखूंगा और उसके पंखों के आवाज से आपको निशाना होगा। तो अगर आप ऐसा कर पाओगे तो फिर मैं आपको बख्श दूंगा या आपको मैं माफ कर दूंगा तो वो हिंदू राजा था उसको पता कि ये जो यवन है इनके ऊपर विश्वास हम रह नहीं रह सकते फिर बोला ठीक है तो फिर बहुत बड़ी सभा बुलाई गई और एक बहुत बड़े स्टेडियम में हजारों लोग जमा हुए और एक तरफ वो जो राजा था वो खड़ा था और एक सौ मीटर की दूरी पर हम देखते हैं कि कबूतर ऐसा एक डोब उसको कहते हैं एक पंक्षी था वहाँ पर तो वहाँ पर करना कहता कि उस कबूतर को छोड़ देंगे और फिर उसको आंखों पर पट्टी बांधकर उस पक्षी को उसके पंखों का जो आवाज है वो सुन पर निशाना लगाना है तो फिर उसने तो ये राजा कहते कि मैं ये करूंगा लेकिन पहले मुझे पता कि बॉक्स कब कर खुले करेगी तो आप उधर खड़े रहिए और मुझे पता है कि बॉक्स कब खुला खुलेगा और फिर जैसे ही बॉक्स खुलेगा तो फिर मैं उस कबूतर पर निशान लगा करके तो वो जो यवन राजा था तो उसने कहा ठीक है मैं जब ये पिंजरा खुला होगा तो मैं आपको बोला कि पिंजरा खुला करके फिर आप इस पंछी पे निशान लगे तो जैसे ही वो पिंजरा खुला तो वो पंछी उड़ने लगा तो वो मुस्लिम राजा ने कहा कि ठीक हो अभी देखो ये कबूतर उड़ रहा है अभी तो वो जो हिंदू राजा था जिसने जो उसने जब सुना कि अरे अभी राजा ऐसा बोल रहा है मुस्लिम राजा तो उसने क्या किया कि जो उसका निशाना है वो कबूतर से हटा के वो मुस्लिम जो राजा था उसके ऊपर मारा और उसका जो आवाज है सुनकर ही वो जो हिंदू राजा था उसने उसके हृदय के पार वो निशाना लगा के उसको मार दिया फिर बाद में उन्होंने उसके जो तुणीर और बांध थे नीचे रख दिए तो फिर सब मुस्लिम जो बाकी सैनिक थे वो चिल्ला करे अरे ये मूर्ख तुमने ऐसा क्या किया ऐसा करके तो फिर वो जो लोग चिल्लाने लगे मुस्लिम सैनिक लोग तो उनका भी आवाज सुनकर केवल उनकी आवाज सुनकर ही उसने उन सबको बाढ़ से मार दिया तो हालांकि वह अकेला था फिर भी उसने सौ से अधिक लोगों को जो है लड़ाई की इस तरह से तो ऐसा जो राजा था वो कभी भी डरा नहीं कर इतने सारे लोग हैं तो ऐसा प्रोपा ऐसा राजा होना चाहिए ऐसा क्षत्रिय होना चाहिए जो डरना नहीं चाहिए और कभी युद्ध से भागना नहीं चाहिए क्या जो डर लग रहा है छोड़ दो छोड़ दो मुझे ऐसा करके मेरे जीवन को छोड़ दो इस तरह से तो युद्ध भूमि में युद्ध करते करते हुए मरना मुझे मंजूर है लेकिन भागना मंजूर नहीं है तो भगवान के लिए हम हमारा जान जो है नर कर देंगे तो फिर मरते समय उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और भगवान के प्राप्त किया फिर कुछ मुस्लिम सैनिक बचे हुए थे उन्होंने फिर उनको मार दिया और उनका सर गाड़ दिया तो इस तरह से ये जो हमारे ऐसे क्षत्रिय राजा थे जो भगवान के लिए अपना आ, जान त्याग कर दिए। तो थे कि उसी तरह से हम <laughs> हमारे लिए करें प्रभा जी इस तरह से हम जो हमारा जीवन है तो वो भी हमें संगीतन मूवमेंट को प्रचार करने में लगा देना चाहिए और अगर ऐसा हम करेंगे तो एक बहुत बड़ा कार्य हम कर पाएंगे जो कि ग्लोरियस है हरे कृष्णा माता जी आपका सवाल है आ, जी प्रभु जी प्रभु जी ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि ये जो टेररिस्ट होते हैं वो क्षत्रिय नहीं होते क्योंकि उनमें दया भाव नहीं होता लेकिन तमस में होते हैं तो फिर तमस में तो इतना जोश और इतना ज्यादा एक्साइटेड और ये भी तो नहीं होता है में तो फिर ये क्या है कौन सा गुण है ये हाँ यही तो कैसे माता जी इसमें हमको समझना चाहिए कि आ, अलग अलग गुण होते हैं और उनका अलग अलग परिस्थिति में उसका अलग अलग सत्व गुण जग तम गुण में हम क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे तो किसी के पास बहुत सारी शक्ति है प्लानिंग की है, जैसे हम देखते कि ओसामा बिन लादिन तो लादिन जी वैसे प्रोफेशन से इंजी, सिविल इंजीनियर थे है ना तो उनको भी पूरा मन ला कर उन्हें पढ़ाई किया और टॉप किया तभी तो उन्होंने इतना बड़ा बिल्डिंग को एक ही शॉट में सब गिरा दिया तो इसलिए उसमें बुद्धि लगती है ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं लगती तो लेकिन जो बुद्धि दूसरों को हानि पहुँचने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं दुष्कृति न तो सातवें अध्याय में भगवान कहते कि नमाम दुष्कृत नो मूडा पर पद्यंत नराधा महा तो ये सब जो आसुर लोग है वो भी बहुत बुद्धिमान होते हैं ऐसा नहीं बुद्धिमान नहीं होते लेकिन वो उसका उपयोग किसके लिए कर रहे हैं, तो डिस्ट्रक्शन के लिए तो इसलिए जब भी हम किसी के नाश के लिए कोई चीज इस्तेमाल करते तो उसको तमोगुण में जानना चाहिए कि तमोगुण का कार्य क्या है डिस्ट्रक्शन तो इस तरह से ठीक है माता जी तो प्रभु जी तमोगुण का अज्ञानता भी तो एक लक्षण होता है तो अज्ञानता का मतलब उसमें भगवान से विमुक्ति इस चीज को अज्ञान लेते हैं बाकी नॉलेज हाँ, हाँ, हानि पहुंचा रहा तो है क्योंकि वो हानि पहुंचाने के उसके ऊपर रिएक्शन आएगा ना और उसको और उसका सजा भुगतना पड़ेगा तो वही आध्यात्मिक चीजों का अज्ञान यही वास्तविक अज्ञान है या यही वास्तविक तमोगुण है और साथ साथ अगर हम तमोगुण के अलग अलग स्तर पर जाएंगे अगर हम भौतिक स्तर पर तमोगुण देखेंगे तो भी अज्ञान है कि मुझे कोई चीज करने नहीं आती तो वो भी तमोगुणी है इस तरह से तो इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी है तो उसमें भी उसके गुण है लेकिन जब उसमें गुण में विकार आता है तमोगुण का तो वो अलग हो जाता है जैसे हम देखते कि जो राजा थे अब इस राजा ने हम देखा कि युद्ध में अपने प्राण ने कर दिया लेकिन वही हम देखते कि जो शाहजहान था तो वो भी यवन राजा था उसने भी बहुत सारी लड़ाई की उसमें भी कुछ तरह गुण थे तो उसने अपने बीबी के लिए एक बहुत बड़ा ताजमहल बनाया तो जिसकी सब लोग सराहना करते ठीक है तो ये अच्छा प्रेम है तो ये अच्छा गुण हम बोल सकते लेकिन वही जिन लोगों ने वो ताजमहल बनाया उन वर्कर्स का उन्होंने हाथ काट दिया ताकि कोई ऐसा दूसरा कोई बना नहीं सके तो ये जो ये तमोगुण है ना इस तरह से तो हालांकि वो राजा लेकिन उसमें जो गुण है वो करप्ट हो गया है इस तरह से तो हम देखते कलयुग में जो राजा है वही प्रजा का भक्षण करेगा ऐसा भागवत में कहा गया है क्योंकि कलयुग में सभी जो लीडर्स है उनको तमोगुण प्रभावित करेगा तो इसलिए हमें पहले जाना चाहिए कि मूल गुण क्या है और उस गुण का विकार क्या है तो जो क्षत्रिय होता है वो लोगों को कंट्रोल करता है तो अगर वो बुरे लोगों को कंट्रोल कर रहा है तो फिर वो वास्तविक क्षत्रिय है लेकिन अगर अगर उसका क्षत्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो फिर वो मासूम लोगों को भी कंट्रोल करता है और तकलीफ देता है एक्सपॉयट करता है तो फिर वो जो क्षत्रिय गुण है वो तम्बु गुण में चला गया तो फिर वो अज्ञान का कारक या तम्बु मतलब उससे उसका नुकसान होगा तो उसको बैलेंस करना चाहिए तो हर एक जगह पे बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण है तो इसलिए हमें हर क्वालिटी को समझना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू भक्ति और गुणों के हिसाब से तो इसलिए शौर्य, तेजा और युद्ध अपलायनम तो हमने एक गुण देखा युद्ध अपलायन की अरे बचाओ बचाओ मैं जा रहा हूँ कितने सारे लोग आ गए भाग जाओ तो ऐसा नहीं तो युद्ध अपलायनम तो पलायन नहीं करना है सामना करना है फिर अगला हम गुण देखेंगे ये पिक्चर शेयर करता हूं तो ऐसा हर एक गुण के ऊपर हम एक कहानी देख सकते हैं लेकिन शॉर्ट में उनका वही होता है कि लोगों को रक्षा करना इस तरह से फिर अगला है आ, हमने देखा कि जो वैश्य लोग हैं उनके क्या क्या गुण हैं? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वो व्यक्ति खेती कर रहा है, तो कृषि मतलब आ, आ, अनाज उत्पन्न करना तो वो हो गया वैश्य गुण ऐसे ही जो हीरे जवाहरात है या जो ट्रेडिंग है तो वो होता है बिजनेस तो कृषि गोरक्षा वाणिज्यम तो वाणिज्य मतलब क्या कि कॉमर्स है ना तो कोई कोई लोग कॉमर्स फील्ड लेते हैं उसको कहते हैं वाणिज्य तो बिजनेस करना एक चीज लेना उसको सस्ते में और फिर उससे जगह बेचना उसको कहते हैं वाणिज्यम ट्रेडिंग तो हम देखते अमेजोन डॉट कॉम जो है तो वो अभी हम ऐसा कह सकते कि वैश्य का प्रतिनिधि है इस तरह से और तीसरा है गोरक्षा तो जो भी गाय है या जो भी उन सबका रक्षा करना ये भी वैश्य का ही काम है तो वैश्य की जो बुद्धि होती है हमेशा पैसे में लगती कैसे 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 तो अगर आपको पहचान है कि वैश्य कौन है आसानी से तो जो व्यक्ति हमेशा पूछता है क्या भाव है क्या भाव है क्या भाव है तो जो सबसे ज्यादा ऐसा पूछता है क्या भाव है क्या भाव तो मतलब आपको वो वैश्य है इस तरह से चौथा है शूद्र तो शूद्र का क्या गुण है कि वो मजदूरी करता है तो मतलब लेबर जो काम होता है मेहनत का जैसे कि कुआ खोदना या हम जब बिल्डिंग बनाते हैं उसका करना या फैक्ट्री में जो लोग वर्कर्स काम करते हैं इस तरह से असेंबली करना तो ये हो गया शूद्र का गुण और दूसरा गुण क्या है शूद्र का कि परिचर्या मतलब दूसरों के नीचे आकर काम करना दूसरों के अंडर काम करना तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ब्राह्मण है क्षत्रिय है और वैश्य है वो दूसरे के अंडर काम नहीं करते वो खुद रिस्क लेते हैं और अपना खुद जो है व्यापार है या अपना राज्य है या अपना जो भक्ति है वो खुद भगवान के ऊपर निर्भर रहकर और अपने गुणों के आधार पर अपने आत्मबल पर वो करते हैं तो लेकिन जो खुद के बल पर खड़ा हो नहीं सकता तो फिर वो क्या करता है जॉब करता है तो इस तरह से किसी के अंडर जॉब करना तो ये शूद्र का लक्षण माना जाता है तो अभी हम देखते कि कलयुग शूद्र संभव तो अधिकतर लोग जो है वो जॉब ही कर रहे कंपनी में जॉब कर रहे तो इसलिए उनका क्लासिफिकेशन कैसा होगा तो एक तरह से शूद्र में होगा ऐसा नहीं कि पूरी तरह शूद्र है जैसे तो कि कोई टीचिंग का जॉब कर रहा है तो फिर टीचिंग तो आपने बोला आप बोले कि रोजी तो ब्राह्मण का कार्य है लेकिन फिर जॉब ये शूद्र का कार्य है इस तरह से तो उसमें जो बुद्धिमत्ता है उसकी बुद्धि जो है तो वो ब्राह्मण की है लेकिन जो उसमें जो करे या जो दिल है या जिगर है तो वो शूद्र का है तो इसलिए वो खुद का रिस्क नहीं ले सकता इस तरह से लेकिन वही जो टीचर है जो एक कॉलेज में पढ़ाता है जो अपना कोचिंग अकेडमी चालू करता है खुद का तो फिर वो बन जाता है वैश्य या फिर ब्राह्मण इस तरह से। तो ब्राह्मण कौन होता है कि जो पढ़ाने का पैसा नहीं लेता इस तरह से लेकिन अगर वो पढ़ाने के बाद पैसा ले रहा है तो फिर वो हो जाएगा वैश्य तो हम देखते हैं कि स्कूल्स में भी क्या होता है डोनेशन होता है फीस डोनेशन ऐसा होता है या फीस होती है तो इस तरह से तो हालांकि डोनेशन लेकिन उतना अमाउंट दिए बना आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता या बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता उतना डोनेशन आगे नहीं देंगे तो शुरुआत में तो इसलिए वो भी जो है वो नाम का डोनेशन लेकिन एक्चुअल में वो बिजनेस ही है तो ब्राह्मण का कार्य नहीं है तो ये उनके गुण हैं तो अभी हम देखेंगे आ, तो इसका और भी अगर आपको विस्तार में जानना है प्रभु जी हरे यस माता जी हाँ जैसे टीचर हैं तो वो जैसे पढ़ा रही हैं तो उनका गुण तो ब्राह्मण का हो गया लेकिन अगर पेमेंट ले रही है तो फिर हम्म हाँ ना ये <laughs> तो आदर्श रूप में कह कि ब्राह्मण कभी भी पेमेंट नहीं लेने के वो भगवान के ऊपर या वो दान स्वीकार कर सकते थे तो इसलिए अगर हम स्कूल में देखें कि मैं अगर पढ़ाऊंगा और फिर जो भी दान मुझे मिलेगा उसके बदले में तो वो मैं स्वीकार कर लूंगा इस तरह से लेकिन कलयुग में ऐसा है कि अगर टीचर फ्री में पढ़ाएगा तो कोई उसको फीस भी देखो दान में देगा ऐसा समय आ गया इसलिए वो फिर वो जॉब या पगार लेते हैं तो हम भी देखते कि जो हमारे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मतलब सब पढ़ाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो बच्चे उनसे म्यूजिक सीख के बाद में पैसे ही देते नहीं है इस तरह से तो इससे दोनों तरफ से होता है कि समाज अभी ऐसा बन गया कि आपको अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो आपको कोई कुछ देगा ही नहीं और आपसे फ्री में लेके आपको एक्सप्लाइड करेंगे तो इस तरह से तो इसलिए ऐसा वो जरूरत बन गया ऐसा नहीं कि वो टीचर शूद करके लेकिन फिर भी जो बहुत ही ज्यादा प्रगत है, है आध्यात्मिक ज्ञान में है, जिसको भगवान के ऊपर श्रद्धा तो वो फिर भी फीस नहीं लेते इस तरह से तो अगर आदर्श रूप से देखा जाए तो ब्राह्मण का एक गुण है ज्ञान तो ब्राह्मण के पास ऐसा ज्ञान होना चाहिए इतना ज्ञान होना चाहिए कि अगर मतलब जो पत्थर से पत्थर भी आदमी हो तो वो उसका ज्ञान देखे वो बोला कि नहीं नहीं इसको मुझे देना ही चाहिए इसका मतलब गुरुजी से मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है तो मुझे उनको दक्षिणा देना ही चाहिए ऐसा होना चाहिए लेकिन अभी टीचर भी इतना पढ़ाई नहीं करते कि लोगों से इम्प्रेस हो के खुद अपना दान दे दे और वैसे लोग भी ऐसे नहीं कि आप कितना भी अच्छा करो तो लोग फ्रीज देगा इस तरह से तो इसलिए दोनों डिपेंड करता है देश काल पात्र परिस्थिति के ऊपर तो लेकिन जो अभी टीचिंग कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप आपका जो पगार है वो लेते रहिए है ना क्योंकि आप जो ज्ञान दे रहे वो तो भौतिक ज्ञान है कॉलेज में तो लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आप पैसा मत लीजिए जहाँ तक हो सके तो फिर आप ब्राह्मणी रहेंगे इस तरह से माता जी आपका प्रश्न है प्रभु जी प्रश्न है हाँ प्रभुजी. मतलब प्रभु जी जैसे आपने बोला कि कोई पैसे देते नहीं है जैसे आ, आपके फ्रेंड वो टीचर ने पढ़ा है तो कोई पैसे नहीं देते तो प्रभु जी ऐसा जो कोई पैसे नहीं देते हैं तो फिर हुँ. उनके पैसे मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि उनके पैसे वो मतलब ऐसा फ्री में हो गया ना फिर वो मतलब वो सेवा फ्री में हो गई तो मतलब वो पैसे नहीं दिए हुए तो उनके वो पैसे कहीं पर तो खर्चे होते रहेंगे ना मतलब, हाँ। हर है कि मतलब मेरे मैंने ऐसा सोचा जो मतलब आप बताइए राइट है मतलब ऐसा, मतलब हम कोई भी कैसे करते पैसे नहीं दिए तो, तो, तो उस इंसान ने सोचा तो अरे मेरे पैसे बच गए बट वो किसी के हिस्से के पैसे हम लोग ले लेते कोई देता नहीं है तो वो तो कहीं जाएंगे ही ना प्रभु जी हाँ नहीं वो तो कैसे होंगे ना नहीं अगर हम देखेंगे आगे आगे, आगे। चाहिए की, सही आंसर नहीं गलत है ना ये पैसा नहीं इतना गलत है क्यों मैं बोलता हूँ क्योंकि हम अगर पढ़ेंगे पांचवें स्कंद के तो कैसे कि कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री में नहीं आती है तो हर एक चीज के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए तो एक नरक है जिसका नाम है तप्त तो जो व्यक्ति ब्राह्मण के पैसे देता नहीं है या ब्राह्मण का धन चोरी करता है तो उसको तप्त तो सूर्य नाम के नरक में डाला जाता है जहां पर जो है नी जो उसका जो फ्लोर होता है वो पूरा तांबे या कॉपर का होता है और नीचे से आग लगी हुई होती है तो पूरी नीचे से आग होती है और ऊपर से जो है सूर्य चमकता रहता है और ऐसे जो ब्राह्मण का पैसा डुबाता है या ब्राह्मण का जो दान है या जैसे प्रौपति के लिए किसी ने दान दिया और वो आपने खुद खर्च कर लिया मूवी देखने के लिए तो फिर ऐसा प्रभल का पैसा आपने डुबाया ब्राह्मण का पैसा डुबाया तो फिर आपको तब सुर में डाला जाएगा तो वहां पर फिर आपको यमदूत मारेंगे और आप जहां पर भी दौड़ेंगे वहां पर तांबे का फ्लोर होगा तो हर जगह आपका हाथ जलेगा पैर जलेगा और पैर जलेगा तो आप लेट जाएगा तो आपका पूरा शरीर जलेगा तो इस तरह से आप रात भर दिन भर अनंत काल तक उसमें जलते रहते हैं तो ऐसा कहा गया तो इसलिए किसी का भी पैसा डुबाना नहीं चाहिए लेकिन विशेषकर जब ब्राह्मण का पैसा डुबाता है उसके लिए यह नरक कंपल्सरी ऐसा भागवत में कहा गया है तो अभी जिस जो व्यक्ति को नरक में विश्वास ही नहीं है तो उसका तो मतलब मरने के बाद जो जो होगा होगा वो होगा, लेकिन वो लेकिन गलत ही है है इस तरह से तो किसी का भी हमें जो है, कोई उधार नहीं रखना चाहिए क्योंकि फिर उसका हमें रिटर्न देना पड़ता है हजार गुना तो इसलिए उसने बोला कि अरे चलो गुरुजी ने हमें पढ़ाया हमने उसका पैसा डुबा दिया हमारा पैसा बच गया और गुरु जी क्या आप और कर लेंगे ऐसा तो लेकिन कैसा है कि जो ब्राह्मण है तो उसका कोई धर्म नहीं है मतलब उसका कोई ब्राह्मण को ऐसा नहीं कहा है कि उसने कोई जॉब करना चाहिए तो ब्राह्मण का है कि वो सिर्फ पढ़ाना चाहिए पठन पाठन यजन और यही करना चाहिए तो उसका कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है तो इसलिए उसका एक ही आमदनी का साधन है वो है दान तो पूरी तरह उसका जो पूरा शक्ति है वो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में उसका पूरा समय वो खर्चा करता है और उसके जीवन निर्वाह के लिए जो भी आवश्यक है कम से कम हुई है, वो रखता है तो ब्राह्मण ऐसा नहीं कि उसके पास प्रॉपर्टी चाहिए तो ब्राह्मण कम से कम चीजों में अपना गुजारा करता है ताकि उसका पूरा समय उसका पूरा मानसिक शक्ति पूरा चेतना भगवान के ऊपर या न्यान के साधन पे लग जाए इस तरह से तो लेकिन अगर समाज में अगर ब्राह्मण इतना उसने समय लगा दिया उसको खाने को कोई दे नहीं रहा है तो फिर क्या होगा फिर ब्राह्मण का जीना मुश्किल हो जाएगा तो फिर उसका कर्म उस व्यक्ति को लगेगा तो ये हो गया उस व्यक्ति के लिए तो व्यक्ति नरक में जाएगा और उसको बंधन में फंसेगा और ब्राह्मण फिर क्या करेगा तो फिर अगर ब्राह्मण अपना ब्राह्मण का जो कर्म है वो करते हुए अगर अपना गुजारा नहीं कर पा रहा है तो फिर शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि फिर उसने दूसरा जो नेक्स्ट वर्ण है उसको स्वीकार करना चाहिए यानी कि क्षत्रिय तो हम देखते हैं कि जो द्रोणाचार्य होते हैं तो वो गुरुकुल में टेन लेके अच्छा धनुर्विद्या जानते हैं तो लेकिन उनको कोई फीस देता नहीं है कोई उनको भाव देता नहीं इसलिए फिर वो क्या करते हैं कि ब्राह्मण का कार्य छोड़कर वो भीष्मिता के पास जाते हैं और वहां पर फिर वो कुरुवंश में या धूतराष्ट्र के राज्य में वो धनुष्य बाण के टीचर या धनुर्वेद को पढ़ाने लगते हैं धनुर्विद्या के टीचर बनते हो तो फिर फिर उनको पगार मिलता है उनको सैलरी मिलता है कुरु राज्य की तरफ से तो फिर उनका सब जो भी चाहिए वो उनको गुजारा होता लेकिन फिर उन्होंने क्या किया तो जो ब्राह्मण गुण था उसको ड्रॉप करके अभी क्षत्रिय का कार्य कर रहे इस तरह से तो फिर हम देखते हैं कि फिर क्योंकि उन्होंने आमदनी ली कुरु लोगों से या धुतराज से या दुर्धन का पैसा वो खाता है ना तो इसलिए फिर जब अः दूत सभा में द्रौपदी का वस्त्रण हुआ तो क्योंकि वो कृतज्ञ थे क्योंकि ब्राह्मण थे तो इसलिए ब्राह्मण का एक गुण कृतज्ञ था इसलिए वो फिर कुछ बोले नहीं क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का पगार लिया था उनका नमक खाया था इस तरह से तो लेकिन ब्राह्मण को ऐसा चुप नहीं रहना उसको बोलना चाहिए तो फिर उसका ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है तो इस तरह से हमें समझना चाहिए ठीक है माता जी और एक क्वेश्चन था प्रभु जी खाली एक मिनट मतलब फिर जो मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं जो किसी के पैसे खाते हैं वो बातें उनके लिए भी वही जो तो आपने जो बताया वहां पे जाते हैं हैं वो वही वही रहते क्या उनका भी सिस्टम वही है हाँ नहीं तो अगर ब्राह्मण का तो नरक है। नहीं नहीं। का तो अलग 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 क्षत्रिय वैश्य क्षत्रियो हर जगह पिटाई होनी है लेकिन ब्राह्मण के लिए ज्यादा पिटाई होगी ओके और बाकी लोग के लिए उससे भी ज्यादा पिटाई करेंगे नहीं नहीं ब्राह्मण के लिए सबसे ज्यादा पिटाई करेंगे और बाकी लोग भी पिटाई करेंगे इस तरह से

कुछ ना कुछ भुगतान करना होगा तो अगर okay. आप अगर आप भौतिक लेवल पे अगर पैसा डुबा रहे तो फिर आपका वो पाप पकड़ा जाएगा और फिर उसके लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा और लेकिन अगर आप अगर आप भक्ति के भक्तों का पैसा डुबा रहे तो फिर वो अपराध में पकड़ा जाएगा अच्छा। तो अपराध अगर करेंगे तो आपका भक्ति रुक जाएगा तो फिर वो बाप से अपराध बहुत भयंकर है क्योंकि पाप क्या हरिनाम करके चला जाएगा लेकिन अपराध जो है हरिनाम से नहीं जाएगा अपराध को निमटाने के लिए आपको उस भक्त को क्षमा मांगना होगा और उसको पैसा देना होगा और उसके बाद भी अगर वो खुश नहीं हो या संतुष्ट नहीं हो तो फिर आपको और बहुत कुछ करना पड़ेगा इस तरह से इसलिए वो उससे भी खतरनाक है ठीक है ओके प्रभु जी हाँ तो किसी का पैसा मत डुबाइए <laughs> तो इस तरह से तो आगे चलते हैं तो इसलिए अभी ये हमने गुण सुने तो फिर अभी ये गुणों को हमने क्यों पढ़ा तो भगवान कह रहे कि अभी इन गुणों को हम जानेंगे तो फिर हम भक्ति में कैसे प्रगति कर पाएंगे अभी भगवान हमें आगे बताएंगे तो आगे चलते हैं तो हाँ मुझे एक बताना था कि अगर आपको अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है कि ब्राह्मण वास्तव में क्या करता है उसके क्या गुण होते हैं और क्षत्रिय के क्या गुण तो अः अभी समय हमारे पास कम है लेकिन भागवतम के सातवें स्कंद में अध्याय क्रमांक ग्यारह से लेकर पंद्रह तक तो आप ये पूरा विस्तार से पढ़िए तो फिर आपको उसकी जानकारी होगी तो इसलिए ब्राह्मण के क्या गुण है क्षत्रिय के क्या गुण हैं तो यहाँ पर सब वर्णन किया हुआ है और साथ साथ स्त्री के क्या गुण हैं है ना तो आप बोलेंगे अभी इस क्लास में तो हम देखते मोस्टली माता लोग ही है तो फिर माता का क्या गुण है अभी माता जी अंदर क्षत्रिय तो है ना वैसे ना शूद्र तो उनको क्या करना चाहिए तो इसलिए माता जी का भी जो है कर्म जो है वो करना चाहिए जैसे कि बच्चों को संभालना और चूल और मूल तो यानी कि खाना बनाना बच्चों को संभालना पति का ध्यान रखना इस तरह से उनके गुण है तो फिर उन्होंने भी क्या करना चाहिए पति होता का व्रत का पालन करना तो इस तरह से वो गुण बताए और अगर वो नहीं करते तो फिर आप उस व्रत से भंग हो रही है तो फिर आपके लिए भी उसके लिए अलग अलग नरक है या सजाए है इस तरह से तो इसलिए हर एक को जो है जो भगवान ने हमें शरीर दिया है और जो परिस्थिति है उसके हिसाब से गुण भगवान ने वर्णन किया है तो हमें उसके हिसाब से ही हमारा जीवन बिताना चाहिए तो फिर हम भक्ति में अच्छी तरह से प्रगति कर पाएंगे तो कैसे प्रगति कर पाएंगे तो अभी भगवान इसके आगे वर्णन करते हैं तो उच्चारण करके एक साथ

हाँ चार लोग एक साथ पढ़ेंगे तो इसमें पता रहे कि क्या-क्या ठीक प्रवृत्ति भूताना यत्ता प्रवृत्ति भूताना यत्ता प्रवृत्ति भूताना ये न सर्वेदम् ततम ये न सर्वेदम् ततम सर्व कर्मणादाम अभ्यर्च्या

स्वभावनियतम कर्मा, श्वानेतम कर्मा, कुरुवना अपनु तिकिल विषम, कुरुवना अपनु तिकिल विषम, तिकिल विषम, सहजम कर्म कौन ते कर्म कौन ते अपि सदोषमी न त्यजेतोष न त्यजे सर्वा दोषेण सर्वा भूमे इवा आवृता चावल रोटी लो रोटी आइए काल का अनुवाद था। लस्सी बनाइए अभी तो अभी हम आ, इसका अनुवाद पढ़ेंगे तो अनुवाद कौन पढ़ेगा शितामा जी आप इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं अपावर्त 45 से लेकर 48 तक। हाँ 45 से लेकर 48 तक ना प्रभु जी हम्म अपने अपने कर्मों के हां एक मिनट मैं क्या बोलता हूँ आप थोड़ा धीरे पढ़िए आपको समझ के पढ़िए और बाकी को भी समझ में आएगा इस तरह से ओके अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है अब तुम मुझ मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णतः कर कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत्त होता है जिस प्रकार अग्नि अग्नि धुए धुए से आवृत्त रहती है अतएव हे कुंतीपुत्र मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पत्त कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं धन्यवाद माता जी हरे कृष्णा हाँ तो इसलिए अभी यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो हमारा पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमारा क्या है हम क्या ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य शूद्र है फिर अभी हम क्या जॉब कर रहे हैं या क्या हम सेवा कर रहे हैं वो हमें पहचान लेना चाहिए और हमारे इसमें गुण क्या है मतलब मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है मुझे कुकिंग करने में बोरिंग लगता है या फिर मुझे ऑफिस जाना में अच्छा नहीं लगता तो ऐसा अगर हमारे इसमें गुण है तो फिर हम कौन से वर्ण में आते हुए हमें देखना चाहिए या हमें लगता है कि मैं खुद से अपना एक बिज़नेस चला सकता हूँ मुझे किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है या फिर किसी को लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो डर लगता है अगर मेरा धंधा डूब गया तो तो अच्छा है कि मैं किसके अंदर जॉब करूँ उसकी कंपनी डूब गई तो दूसरी कंपनी पकड़ लेने की यह जॉब छोड़ दिया दूसरा जॉब कर लेने का तो कोई रिस्क नहीं है लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं इस तरह से तो इसलिए हमारा क्या क्या धर्म है उसका हमें जानना चाहिए और फिर उस धर्म को हमने चूज किया है तो उसको फॉलो करते करते फिर हम किस तरह से परफेक्ट होंगे या किस तरह से हम हमारा परम सिद्धि जो भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे वो भगवान हमें बता रहे अभी इस अगले श्लोकों में तो इसको माता कंप्लीट कर दो आपका सवाल पूछता हूँ तो इसमें कहा गया है कि फोर्टी सिक्स में भगवान कह रहे कि यत्ता प्रवृत्ति भूतानाम तो जैसा भी हमारा स्वभाव है या गुण है जो भी हमारा हमें एक एक स्किल है तो अगर हम उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि भगवान ही सभी के उगम स्थान है तो फिर धीरे धीरे क्या होगा ऐसा करते करते हमारा परफेक्शन आएगा या हमारा सिद्धि प्राप्त होगी और फिर हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे यहाँ पर पप्पा जी कहते कि जो भगवान है वो पूर्णव्यापी है तो उस समय भगवान का ही आराधना करना चाहिए सभी हमारे शक्ति था तो भगवान के दो शक्तियां एक आंतरिक शक्ति यानी किसी भी जीवात्मा है जो आंतरिक शक्ति में आते हैं और एक बाह्य शक्ति जो है जो कि माया देवी है तो इसलिए दोनों भी जो शक्तियां हैं वो भगवान की ही है और जो जीवात्मा भगवान का दास है तो इसलिए दास होने के कारण हमें आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति दोनों द्वारा हम भगवान की सेवा करना चाहिए तो फिर हमें सिद्धि प्राप्त होगी तो इसलिए आ... भगवान जो है सभी के आत्मा में या हृदय में स्थित है परमात्मा के रूप में तो ये हमें जानना चाहिए फिर भी यहाँ पर कहते हैं कि किस तरह से जो हमारा कार्य है तो हालांकि हमारा जो प्रत्येक कार्य है वो तीन गुणों के अंदर ही है है ना खाना पीना सोना सत्व गुण जो गुण तमोगुण में ही क्लासीफाई होता है तो हालांकि हमारा सभी कार्य तीन गुणों में है फिर भी ऐसा तीन त्रिगुणात्मक कार्य करते हुए भी हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं या इससे त्रिगुणक त्रिगुणात्मक कार्य को भी हम भक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं भगवान हमें बता रहे तो यहां पर प्रभपात हमें विस्तार से बता रहे तो प्रभपात क्या कह रहे हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो हमें यही सोचना चाहिए कि ये जो कार्य है ये जो ऋषिकेश है जो हमारे इंद्र के स्वामी है उसके प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूं इस कार्य करने के बाद जो भी फल आएगा तो वो सारा जो फल है वो भगवान को ही अर्पण करना चाहिए तो उसी को अर्पण भगवान को अर्पण करके भगवान की आराधना करनी चाहिए तो हम देखते जो दिवाली है या जो ओनम है तो जब पहली फसल आती है तो पहली फसल जो है वो भगवान को अर्पण करते हैं और तो उस तरह से भगवान की आराधना करते हैं हम देते कि जो गेहूं की बाली होती है उसे भगवान की आराधना करते हैं हम जवारी लगाते हैं फिर आम के पत्ते लगाते तो जो भी फल आता है हमारे कार्य का उत्पन्न का तो उससे हम भगवान की आराधना करते हैं तो इस तरह से अगर हम हमेशा सोचेंगे तो फिर हम भगवान की भक्ति में लग पाएगा और फिर भगवान की कृपा से क्या होगा कि हम सारी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे हम अवेयर हो जाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए फिर आगे क्या होगा तो ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो क्या होगा तो भगवान स्वयं हमारी जिम्मेदारी लेगा लेंगे तो ऐसा जो भक्त ऐसा जो कार्य कर रहा है तो भगवान स्वयं व्यक्तिगत रूप से ऐसे भक्त को पार करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो ऐसा प्रभाजी कह रहे हैं तो इसलिए जो भी आपका कार्य आप करते रहिए और धीरे धीरे उस कार्य करते करते क्या होगा कि उसमें आपको सिद्धि या प्रैक्टिस करके करके आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे परफेक्ट होना मतलब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी ऐसा वो कह रहे हैं और विष्णु है कि हमें जो भी कार्य कर रहा है ऐसा सोचना चाहिए कि हे मैं ये जो भी कार्य कर रहा हूं, तो कृपा करके भगवान इससे प्रसन्न न हो इस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए तुम्हारा जी अभी आपका सवाल आप बोल सकते हैं प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया कि वैश्य का पहचान ये होता है कि कितने का है तो अधिकतर हाँ मतलब इसी एक इसी से अधिकतर हाँ मतलब इट इज अ वेरी फ्रीक्वेंट आज फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन क्या क्योंकि भाव मैं खुद से रिलेट कर सकती हूँ <laughs> <laughs> मेरा ये है प्रभु जी प्योरली आई एम लाइक like दैट और मुझे अर्निंग भी बहुत पसंद जॉब आई कॉन्ट डू एनी ऐसा तो मेरा खुद का ही बिजनेस है तो ऐसा ही क्रॉस चेक के बाकी तीन वर्णों के लिए भी आप बताएंगे क्या कैसा हाँ, रहता है उनका हाँ यस यस हाँ मतलब मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जो है मतलब मैं आपको शॉर्ट में में बताता लेकिन अगर विस्तार जाना है तो आप भागवतम के स्कंद में अध्याय क्रमांक से लेकर अगर आपको जो मतलब गुण और कर्म है तो इस तरह से जो कर्म के हिसाब से जो है ब्राह्मण क्षेत्र में तो फिर आपको अध्याय का ग्यारहवा सॉरी सातवें स्कंद का ग्यारहवा अध्याय पढ़ना चाहिए और अगर आपको ब्रह्मचारी क्षत्रिय ब्रह्मचारी गृहस्थ का चाहिए तो फिर बारहवा अध्याय पढ़ना चाहिए इस तरह से तो लेकिन फिर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं तो कैसे हम उसको समझे करके तो बहुत ही सिंपल है देखिए चार वर्ण है आ, सबसे पहला है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ठीक है तो जो व्यक्ति रिस्क नहीं ला चाहता किसी भी कार्य में जो व्यक्ति कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है या कम से कम रिस्क लेना चाहता है तो फिर वो शुद्ध रहे ऐसा हमें समझना चाहिए यानी कि अगर आज का मोल्ड रहेगा तो जब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण पठन पाठन एजन एजन कर रहा है लेकिन उसको यह विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे भगवान मुझे जो भी आवश्यक है वो प्रदान करेंगे ऐसा ब्राह्मण का विश्वास, है, भगवान के तो उस उस विश्वास रिस्क लेता है और वो पढ़ाई करता है तो अगर उसे पढ़ाई की और उसको खाना नहीं मिला तो फिर वो रिस्क है ना लेकिन वो रिस्क लेता है और वो सुखी रहता है हम तो देखते कि जैसे चाणक्य पंडित थे तो वो हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइजर थे लेकिन फिर भी वो कुटिया में रहने के भार। और कभी भी उनको चंद्रगुप्त ने निकाल बाहर नहीं किया क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, उनके पास ऐसा ज्ञान था अभी हम देखते सब लोग चाणक्य नीति पढ़ते हैं दूसरे तो जो ब्राह्मण होता है उसके पास इतना ज्ञान होता है इस ज्ञान के बल के ऊपर वो खुद को उसका गुजारा कर सकता है और इसलिए वो रिस्क ले सकता है या रिस्क लेता है तो ये ब्राह्मण का गुण है तो दूसरा जो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय क्या है कि वो खुद का आदि चलाता है तो उसमें क्या है कि अगर खुद का तो खुद का जो भी इच्छा है वो पूरा होगा सब मिलेगा लेकिन उसमें रिस्क क्या है कि अगर वो युद्ध में मारा गया तो उसका सारा चला जाएगा तो इसलिए अपनी जिंदगी बाजी लगाकर वो युद्ध करता है और सबको नियंत्रण में रखता है तो ये उसका रिस्क है और उसका गुण भी है तो अगर उसमें उतना बाहुबल है कि वो सामने में शत्रु को परास्त करके या अपने बुद्धि द्वारा पॉलिटिक्स द्वारा हरा सकता है तो फिर वो वो उसका टैलेंट का इस्तेमाल करता है और वो उसे रिस्क उठाने के कारण वो फ्री रहता है हमेशा तो राजा कभी भी फ्री रहता है उसके लोग सब सब लोग उसका कहना मानते हैं तो इस तरह से ये क्षत्रिय का गुण है फिर वैश्य का गुण क्या है तो वैश्य के पास पैसा होता है उसका पैसा ही सब कुछ होता है तो अगर उसका पैसा सारा डूब गया तो फिर वो रस्ते पर आ जाएगा लेकिन वो अपना बुद्धि का वैश्य बुद्धि का इस्तेमाल करके वो क्या करता है कि बिजनेस करता है बिजनेस करता है और बहुत सारा पैसा कमाता है तो बहुत सारा पैसा उसने कमाया इसलिए वो हमेशा फ्री रहता है किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है इंडिपेंडेंट रहता है लेकिन वही अगर उसका पैसा डूब गया तो फिर वो मर जाएगा तो ये उसमें रिस्क इन्वाल्व है तो लेकिन उसने वो रिस्क लिया और उसमें सक्सेसफुल है मतलब उसमें वो गुण है या उसका कर्म उसको सपोर्ट कर रहा है तो फिर वो आराम से बिंदास है लेकिन जो शूद्र है उसमें कोई गुण नहीं है ना क्षत्रिय का गुण है ना ब्राह्मण का गुण है ना वैश्य का गुण है या खुद अपना कुछ कला है तो उसको क्या है जिसको कुछ दिमाग नहीं है हम तो कोई भेजा नहीं है तो फिर वो क्या करता है कि वो मट जमीन खोदता है या किसी के घंटा साफ सफाई करता है जो काम वाली है तो ये सब जो है वो शूद्र कैटिंग के बॉस में तो कुछ रिस्क नहीं लेना है इस तरह से तो जो काम वाली वो भी अच्छे पढ़ाई करके कुछ सॉफ्टवेयर करके कुछ कोर्स कर सकती है या डेटा एंट्री का जॉब कर सकती है और फिर इंडिपेंडेंट हो सकती है लेकिन उनको दूसरे के अंडर ही काम करना है तो इस तरह से तो ऐसा ये चार मुख्य लक्षण है तो इसमें वो ये कि रिस्क लेना है इस तरह से फिर उसके अलावा और भी है दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना तो वो मुख्य लक्षण है और फिर जैसा उसका गुण है फिर वैसे वैसे, वैसे उसको मतलब जैसा जो उसका जो वर्ण है क्षत्रिय तो उसके लिए फिर उसका क्षत्रिय का कार्य करने के लिए जो भी उसको जरूरी है शौर्यम तेजम धुतिर्दाक्षम तो हमने देखा दाक्षा मतलब क्या किया एक्सपर्टीज तो हम देखते कि वो जो राजा था हिंदू राजा उसने आंखें बंद थी फिर भी उन्होंने एक्सपर्टीज से उसने क्या किया उस यवन को मार दिया तो ऐसा एक्सपर्टीज आपको बिल्डअप करना होगा प्रैक्टिस द्वारा तो इसलिए आपका जो वर्ण है उसके हिसाब से उसका प्रैक्टिस करना होगा तो फिर आप उस वर्ण के हैं और उसको आप मेंटेन कर पाएंगे इस तरह से उससे अगर क्षत्रिय राजा लड़े मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं करेगा एक्सरसाइज नहीं करेगा शिकार नहीं करेगा प्रैक्टिस नहीं करेगा अगर कोई राज्य की खबर नहीं रखेगा तो वो कभी भी उसको लोग डुबा सकते हैं वैसे ही अगर आप बिजनेस करिए खुद का तो दूसरे हमारे कॉम्पिटेटर्स कौ क्या क्या कर रहे हैं क्या क्या नया स्कीम आ रहा है उनका क्या रेट है मेरा क्या रेट है अगर मेरा रेट उनसे कम है तो लोग मेरा खरीदेंगे अगर उसका रेट जो है हमसे कम है और अच्छा क्वालिटी भी दे रहा तो फिर लोग उनका खरीद तो मेरा डूब जाएगा इस तरह से तो फिर जो वैश्यत हमेशा वो क्वालिटी और कॉस्ट के ऊपर वर्क करता रहता है लेकिन क्षत्रिय उस पर वर्क नहीं करेगा क्षत्रिय पावर पे वर्क करेगा तो हालांकि आपका बहुत बड़ा बिजनेस है लेकिन आ, राजा आके आपका पूरा बिजनेस ब्राह्मण कर तो रक्षा, कर, कर, रक्षा करता है नरक में जाने से, तो से सब दु, एक दूसरे की मदद करते है और जो कुछ भी नहीं कर पाते फिर वो शूद्र वर्ग के काम करते हैं दूसरे के अंदर ठीक है माता जी पर yes, तो आप भागवतम और पढ़ेगा ना तो उसमें बताया कि स्त्री का भी क्या धर्म है कि अगर आपको स्त्री अगर रहना है ना, तो फिर क्या करना चाहिए तो अगर स्त्री भी है तो अगर रहती है तो फिर आ, हमेशा जिंदगी उसका उसका पति ध्यान उसका रखेगा इस तरह से लेकिन अगर कुछ अफेयर करेगी अः कुकिंग नहीं करेंगी तो फिर घर में झगड़े होते रहेंगे या फिर कुछ अनबन होती रहेगी फिर अगर ऐसा भी कहा गया कि पतियोता स्त्री ने जो है वो पति के जो माता है पति के जो भी प्रिय लोग हैं उन सबका भी सम्मान करना चाहिए क्योंकि अगर पति के प्रिय प्रियलो का सम्मान करेगी तो फिर उसका भी सम्मान होगा तो अगर वो ऐसा नहीं करती है कि वो सिर्फ पति से प्रेम कर पति के भाई से प्रेम नहीं करती पति के माता पिता का अपमान करती है या सासुर का अपमान करती है तो फिर उसको वापस अपना जो पति जीवन या जो घरेलू जीवन में भी उसको समस्या आएगी इस तरह से तो वो सब वर्णन किया गया है भागवतम के सातवें स्कंद के तेरहवें चौदह अध्याय में इस तरह से तो आप उसको विस्तार से पढ़िए तो आपको पता चले कि क्या और क्या क्या लक्षण है इस तरह से जी जी प्रभु हाँ अभी हम आगे बढ़ते हैं तो इसलिए यहां पर प्रपा जी कह रहे हैं कि हमको अगर सिद्धि प्राप्त करनी है भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो हमें सब जो भी हम कार्य करें मैं कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं और इससे भगवान प्रसन्न हो इस तरह से तो फिर कोई बोलेगा कि ठीक है भगवान की सेवा करनी चाहिए तो लेकिन अभी मेरे में बुद्धिमत्ता है मेरे में शौर्य भी है तो फिर और दूसरे लोग में मेरे से कम शौर्य है कम बुद्धि है और वो सक्सेसफुल हो रहे है तो फिर क्या मैं मेरा जो गुण है उसका त्याग करके जो मेरे गुण का जो कार्य है उसका त्याग करके दूसरे का कार्य अगर मैं तो स्वीकार करूं तो क्या ये अच्छा रहेगा या क्या हमें करना चाहिए जैसे कि अभी आप अगर आपका वर्ण है वैश्य अब अच्छा बिजनेस करिए इंडिपेंडेंट है तो फिर आप पूछेगी फिर प्रभु जी मेरा इतना सारा बिजनेस है मेरे इतने सारे फॉलोअर्स है तो आपको क्या लगता है क्या मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए और हाँ तो जी नहीं पर धर्म हा, 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 तो उसका उत्तर अभी अगले श्लोक में बता रहे तो सेवन में बता रहे की श्रेयां स्व धर्म विगुण तो हमारा जो धर्म है जो हमारा गुण कर्म हमको पहले पहचानना चाहिए और उसके हिसाब से हमारा जो कार्य है वही हमें करना चाहिए तो अगर हम उसको परफेक्टली कर रहे दक्षता से कर तो बहुत ही अच्छा है लेकिन अगर हम उसको दक्षता से कर भी नहीं पा रहे हम इतने इसमें एक्सपर्ट भी नहीं है फिर भी हमें वही कार्य करना चाहिए जो हमारे गुण के हिसाब से लेकिन जो दूसरे का दूसरा धर्म का दूसरा जो कार्य है जो दूसरे धर्म का कार्य है हालांकि उसको परफेक्ट भी कर पाएंगे लेकिन फिर भी हमें वो करना नहीं चाहिए क्यों हम वो करेंगे तो हमें उसका पाप लगेगा इस तरह से तो कहने का क्या तात्पर्य है कि जिसका जो कार्य है उसने वही कार्य करना चाहिए तो फिर हमें पाप नहीं लगेगा तो अभी प्रभात उसका विस्तरण करते हैं तो इसलिए प्रपात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति को अच्छा लगता है कि मैं शराब पीऊ और जिसको लगता है कि मैं जॉब करना चाहूँ जो शूद्र के जो कार्य है जो लगता तो फिर उसको सिर्फ ऐसा आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि मैं ब्राह्मण का कार्य करना चाहता हूँ करके इस तरह से तो हम देखते कि बहुत सारे टीचर है वो शराब पीते हैं सिगरेट भी पीते हैं गुटखा भी खाते हैं तो मैं कॉलेज में था वो प्रोफेसर गुटखा खाने का वो सब वो कार्य कर रहे हैं शूद्र के कार्य है लेकिन उसको टीचिंग करना है इस तरह से फिर ऐसा अगर वो कार्य कर तो क्या होगा उसको पाप लगेगा कि टीचर कुछ हरा पी रहा है सिगरेट पर तो फिर स्टूडेंट्स क्या सोच उससे सीखेंगे तो हालांकि वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है फिर भी वो ऐसा कार्य कर रहा है तो इसलिए उसको जो वो कार्य नहीं करना चाहिए उसका नेचर है वो ऐसा उसने कार्य करना चाहिए तो ऐसा पप्पा जी कह रहे हैं तो केवल जो धागा है अगर आपके पास कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो मतलब वो ब्राह्मण कार्य ही करेगा ऐसा जरूर नहीं है उसका जो गुण है उसके स्वभाव के अनुसार उसके हिसाब से उसने वो कार्य करना चाहिए तो कोई भी कार्य जो है वो त्यागने योग्य नहीं है हर कोई जो कार्य हम भगवान के समय में लगा सकते हैं तो फिर अभी प्रपात कि जो ब्राह्मण का कार्य है वो सत्गुण में होता है लेकिन अगर कोई सत्गुण में है ही नहीं तो फिर उसने ब्राह्मण का कार्य नहीं करना चाहिए तो एक उसमें उदाहरण देता कि जैसे सदोगुण में मतलब क्या कि इससे हमारा क्लास चालू हो रहा है तो जो प्रोफेसर होते हैं कॉलेज में तो उनको अगर वो टीचिंग कर रहे हैं तो ऐसा अपेक्षित है कि वो समय पर आना चाहिए क्लास के तो क्लास के समय पर टीचर तो फिर स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है इसलिए कोई व्यक्ति अगर कंपनी में काम कर रहा है उसमें जो है फ्लेक्सी टाइमिंग है हालांकि कभी आप आइए कभी भी आइए कभी भी, भी, भी जाइए लेकिन ऐसा फ्लेक्सी टाइमिंग का अगर आपको आदत पड़ चुका है तो फिर अगर आप टीचिंग में आ रहे हैं तो आपको ही चलेगा नहीं इस तरह से तो ऐसे गुण है फिर ऐसे अगर आप का कुछ स्वच्छता होनी चाहिए लेकिन अगर केवल अगर आप राजा है और आप बोले मैं भगवान का विग्रह का आराधना करूंगा तो चलेगा नहीं तो भगवान की विग्रह की आराधना करने लिए आपको होनी चाहिए इस तरह से द्रपात तो की जो क्षत्रिय है तो उसको भी क्या है कि उसको हिंसक होना पड़ता है बहुत सारे क्षत्रुओं को मारना पड़ता है और कभी क्षत्रिय को झूठ भी बोलना पड़ता है तो वाली में से झूठ नहीं बोला जाता तो फिर आप क्षत्रिय नहीं बन सकते तो इस तरह से तो हम देखते हैं कि जो द्रोणाचार्य है तो द्रोणाचार्य को जब दृष्ट रूप बोलता कि मुझे आपसे धन विद्या सीखनी है तो फिर वो द्रोणाचार्य उनको नहीं नहीं बोलते, बोलते हाँ ही बोलते क्योंकि वो ब्राह्मण होते हैं तो क्योंकि वो ब्राह्मण होते इसलिए वो उनको झूठ नहीं बोल पाते लेकिन वो जो कार्य करे वो तो क्षत्रिय का होता है तो इसलिए उनकी मृत्यु होती है क्योंकि जो क्षत्रिय है अगर उसको पता है कि ये व्यक्ति मुझे मारने वाला है तो क्षत्रिय उसको कभी भी बताएगा नहीं कि किस तरह से उसको मार सकते तो इसलिए अगर कोई ब्राह्मण जो क्षत्रिय काम करेगा तो उसको ऐसा मारना पड़ेगा इस तरह तो इसलिए हमें जो भी हो तो उसमें भगवान की प्रसन्नता देखनी चाहिए तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि अर्जुन जाओ क्षत्रिय था तो उसका धर्म क्या था लड़े करना लेकिन उसने देखा कि इतने सारे लोग मारे जाएंगे पाप होगा तो इससे मैं लड़ाई नहीं करूंगा ऐसा उसने कहा तो लेकिन फिर भी भगवान है कि नहीं आप क्षत्रिय हो आपको लड़ाई करना ही चाहिए और आप जबरदस्ती जो है साधु मत बनो तो अर्जुन कहता कि इनको मारने से अच्छा है कि मैं संन्यास लेता हूँ करके और जंगल में जाकर तपस्या करता हूँ तो लेकिन अभी क्षत्रिय अगर ब्राह्मण का धर्म लेगा तो वो ठीक नहीं है इसलिए भगवान को कहा कि नहीं नहीं आप सन्यास भी लोगे फिर बाद में आप सन्यास लेके जब भिक्षा मांगने जाओगे दे तो फिर वो एक अबला स्त्री आपको आई बोली ए जा उधर अगले इधर जा ये भिखारी आ जाते कहा से जाओ यहां से तो फिर क्या होगा अर्जुन क्षत्रिय है तो उसका खून खोल जाएगा फिर मेरा अपमान कैसे गया क्योंकि क्षत्रिय अपमान नहीं सहन कर सकता तो फिर वापस वो क्या करेगा हिंसा करेगा इसलिए जो क्षत्रिय हमेशा हिंसा ही करेगा तो ब्राह्मण भी बनेगा तो भी हिंसा ही करेगा इसलिए उसको हिंसा का ही कार्य करना चाहिए जो है लड़ाई करना तो ऐसा अगर भगवान के लिए अर्जुन ने हिंसा की तो फिर उसको कोई पाप नहीं लगा इतने सारे लोग मारे गए चौरासी करोड़ लोग मारे गए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लेकिन कोई पाप नहीं लगा क्योंकि भगवान कृष्ण के निर्देश के अनुसार वो किया गया तो ऐसा प्रभाजी कह रहे फिर तो वैसा भी प्रभाजी कह रहे कि जो वैश्य है जो बिजनेस कर रहा है तो उसको हमेशा झूठ बोलना पड़ता है तो प्रभा जी कहते हैं कि जब भी आप कोई दुकानदार के पास जाते हो तो वो कहता है कि मैं जो आपके बहुत क्लोज हूँ इसलिए मैं आपसे कोई भी प्रॉफिट नहीं लूंगा तो सिर्फ ये मैं आपको जो मेरा जो खरीदी का भाव उसी भाव में आपको मैं दे रहा हूँ तो प्रभा जी कहते हैं कि अगर कोई व्यापारी आपको ऐसा कह रहा है कि मैं आपसे प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ तो इसका अर्थ हमें यह समझना है कि वो झूठ बोल रहा है तो क्योंकि अगर व्यापारी कोई प्रॉफिट लेगा नहीं तो फिर वो जी नहीं पाएगा वो मर जाएगा इसलिए अगर वो ऐसा कह रहे कि आपसे कोई प्रॉफिट नहीं तो मतलब वो झूठ बोल रहा है तो इसलिए प्रपात कह रहे कि व्यापार में आपको झूठ बोलना अनिवार्य आनि, है तो फिर कोई उससे कह रहे मुझे बिजनेस में झूठ बोलना पड़ रहा है फिर मैं भक्ति कैसे करूँगी भक्ति में तो सुना है कि कलयुग में हमने सुना है कि जो धर्म है केवल एक पैर पर ही खड़ा है वो है सत्य अभी इधर भी मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मेरा भक्ति कैसे होगा तो मैं इसलिए हालांकि मेरा जो वर्ण है वैश्य का है लेकिन क्योंकि झूठ बोलना पड़ रहा है इसलिए मैं इसको नहीं करूंगा तो प्रभात जी कह रहे कि ऐसा नहीं है हमें जो भी कार्य हमारा वो करना ही चाहिए तो इसलिए जो भी आप वर्ण लेंगे उसमें हमेशा आपको कोई ना कोई समस्या किसे प्रभात कह रहे क्यों क्यों करना चाहिए मैं ब्राह्मण बनूंगा ब्राह्मण में झूठ नहीं बोलना पड़ता है क्षत्रिय मैं भी ब्राह्मण बनूंगा क्यों क्योंकि उसमें मारा मारी कुछ करनी नहीं पड़ती कोई हिंसा नहीं होती तो इसलिए ब्राह्मण कहीं मल्हे उचित है तो ऐसा नहीं है तो प्रभाव उदाहरण देते कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं तो उनको भी कभी कभी क्या हत्या करनी पड़ती है जैसे कोई अगर यज्ञ ऐसे गोमय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ हम कर रहे हैं तो वहां पर भी पशुओं की बलि चढ़ानी पड़ती है तो वहां पर भी क्या होती है हत्या होती है इससे हालांकि ब्राह्मण है उसमें भी कुछ ना कुछ फॉल्ट है क्षत्रिय जो है तो उसको भी अगर ब्राह्मण होने की मैं ब्राह्मण में मुझे कुछ दान नहीं मिल रहा है मैं इतना ट्यूशन पढ़ा रहा फ्री मुझे कोई फीस नहीं दे रहा है मेरे पैसे लोग डुबा रहे तो मैं क्षत्रिय बन जाता हूँ लेकिन आप क्षत्रिय तो उसमें भी आपको लोगों को मारना पड़ेगा उनका खून गिराना पड़ेगा जैसे कि कारगिल वॉर में कितने सारे लोगों को मारना पड़ा तो फिर इससे अच्छा मैं टीचिंग करता हूँ फिर क्योंकि उसमें मैं भी मर सकता हूँ तो जैसे ब्राह्मण होता है वो डरता है तो इसलिए वो लड़ाई नहीं करेगा लेकिन वो कृत्रिम रूप से अगर लड़ाई में जाएगा तो वापस भाग के आ जाएगा इस तरह से तो इसलिए अः जी पर पुष्टि करते हैं कि भागवत के तीसरे है कि यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोको एयम कर्म बंधन तो भगवान को अर्पण किया गया जो कर्म है वही मुक्ति प्रदायक है और जो हम भगवान के लिए कर रहे उससे हम मुक्त हो जाएंगे लेकिन अगर हम भगवान विष्णु के लिए कुछ कर नहीं करें तो फिर हम उससे बंध में फंस जाएंगे तो इसलिए हमने जो भी गुण कर्म अर्जित किया है हमारे जन्म के द्वारा हमारे जातक के द्वारा जन्म जा स्वभाव जा स्वभावनीयतम कर्म तो उसके हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए तो अगर आप बिजनेस हैं तो बिजनेस कीजिए झूठ बोलिए कम से कम जितना हो सके उतना बाकी भगवान हमको बचाएंगे तो क्यों ऐसा करना चाहिए अभी इसे बता रहे तो हमारा जो कर्म है उसमें झूठ बोलना पड़ रहा है लड़ाई करना पड़ रहा है फिर भी हमें क्यों करना चाहिए क्योंकि उसका उत्तर जी भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताते है सहज जम कौनते हैं सरामरम दोषे दोषेण धूमेन अग्रत इवा आवृता तो एक मिनट इसके लिए हम अभी मैं आपको एक फोटो शेयर करूंगा प्रोजी एक छोटी सी चीज थी पूछ लो क्या हाँ पूछ ली मैम ये बोली थी मैं इसके लिए शायद ऐसा भी होना चाहिए कि जो कर्म है वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए नहीं तो क्योंकि क्या इनिशियल डेज में एक आधा बार ए, मेरे कजिन से मेरी बात हो रही थी तो उनका लेकर शॉप है तो उन्होंने बोला फिर हमारा भी तो यही है ना हमारा भी लेकर शॉप है तो फिर हम क्या करेंगे तो इसमें ये उत्तर रहेगा ना कि शायद ये आपका जो भी कार्य है वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए हाँ नहीं मतलब अभी कैसे है कि शास्त्र सम्मत तो मतलब आपका सवाल क्या है कि शास्त्र सम्मत होना चाहिए प्रत्येक कार्य एक जैसे अभी आपने कहा ना कि भाई वैश्य है उसको झूठ बोलना पड़ता है बिजनेस में तो ये उसका एक दोष है उसके साथ ही उसको ये कार्य करना होता है तो इसी तरह से कोई लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि भाई जिसका नॉनवेज शॉप है तो वध करना ये हमारे कार्य का दोष है तो हम ये कर सकते हैं क्या ऐसा हम्म हाँ यस यस ठीक है मैं समझ गया तो इसी श्लोक में अभी हम चर्चा करेंगे तो भगवान यहां पर उदाहरण दे रहे बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ दोष लगेगा जैसे प्रभाजी कह रहे कि ये धुआं आपको दिख रहा है सबको अग्नि दिख रही है तो अभी जाड़े का मौसम है तो ठंडी लग रही है सबको तो फिर हम क्या करते हैं अग्नि जलाते लेकिन अग्नि जलाते तो उसके साथ साथ धुआं भी आता है ठीक है नहीं और धुआं कहा जाता है आंखों में जाता है तो लेकिन धुआं आँखों में जा रहा है इसलिए हम अग्नि बंद कर देंगे क्या नहीं बंद कर सकते जैसे हम अभी अब कश्मीर में हैं तो ठीक है आप पुना में तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं अग्नि लगाने की क्योंकि इतना गर्म होता नहीं है लेकिन अगर आप कश्मीर में हैं पंजाब में हैं दिल्ली में हैं तो वहाँ पर तो बहुत सर्दी होती है तो वहाँ पर आप बंद नहीं कर सकते इसलिए हालांकि धुआं रहा लेकिन आपका काम भी हो रहा है तो इसलिए प्रत्येक कोई भी अगर हम कार्य करें तो उसमें कुछ ना कुछ दोष होता ही है तो इसलिए हम उस कार्य को त्याग नहीं कर सकते उसको करना ही चाहिए लेकिन उसका भी एक नियम है जैसा आपने कहा तो कोई बोले कि फिर ठीक है प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई दोष है तो फिर मैं शराब का जो है लिक शाप ओपन करता हूँ या मैं कतलखाना ओपन करता हूँ या फिर मैं ड्रग्स बेचता हूँ या फिर मैं वैश्य का ये चलाता हूँ रेड लाइट चलाता हूँ तो उसमें भी कुछ ना कुछ, कुछ दोष है तो कुछ भी करो ऐसा तो ऐसा नहीं है तो प्रत्येक जो हमारा गुण कर्म है जो ब्राह्मण है क्षत्रिय वैश्य है तो उसके हिसाब से हमें हमारा कार्य करना चाहिए तो ये सभी जो कार्य है ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र तो ये सब जो है भगवान की सेवा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो ब्राह्मण का जो कार्य है वो भगवान की सेवा में लग सकता है क्षत्रिय का कार्य जो है वो हम देखते शिवाजी महाराज के समय यवन लोग मंदिर को तोड़ने के तो इसलिए फिर उन्होंने रक्षा की फिर महाराणा प्रताप ने भी रक्षा की तो वो भगवान की सेवा में लग सका फिर तो वैसे ही वैश्य कार्य भी आप बिजनेस आप ट्रेडिंग कर रहे हैं अनाज का दूध का कुशी गोरक्षा वाणिज्यम तो ये सब भगवान के सेवा में लग सकता है वैसे भगवान का मंदिर बनाने के लिए हमको मजदूर चाहिए लेकिन जो शराब खाना है जो कार्य भगवान का सेवा में नहीं लग सकता तो उसको आप कैसे कहेंगे कि आपको सिद्धि प्राप्त होगी तो इसलिए हमने देखा भगविता के चौथे अध्याय के सत्रहवें श्लोक में कि कर्मण बोधव्यम बौद्धव्य विकर्मणा अकर्मा से बोधव्यम गहना अकर्मणा गति तो इसलिए कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या हमें जानना चाहिए और उसकी हिसाब से हमें तो कार्य करना चाहिए तो इसलिए यहाँ पर जो गुण कर्म बताए गए हैं तो हमारा जो स्वभाव नियति जो गुण और कर्म उसके साथ में कार्य कार्य लेकिन वो जो कार्य हम कर रहे हैं प्रोफेशन जो हम चूज कर रहे हैं तो वो भी कैसा होना चाहिए कि उसमें कम से कम विकर्म होना चाहिए कम से कम कर्म होना चाहिए और अधिक से अधिक उसको अकर्म या भगवान की सेवा में लग, लग सके ऐसे हमें कार्य करना चाहिए तो इसलिए शराब खाना जो है उसमें पूरा डिफेक्ट ही है उसमें अच्छा कुछ भी नहीं है तो इसलिए वो जो आप करेंगे तो आप सीधा नरक में जाएंगे हमने देश जिससे देखा तो इसलिए वो यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं है उससे शराब खाना ड्रग्स का फिर वैसे वै, ये सब जो भी है, है। या फिर बोलो ठीक है मेरा जो है पोल्ट्री फार्म नहीं है लेकिन मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिससे मुर्गियों को हम जल्दी काट सकते हैं हम मुर्गियों को जो मैंने ऑटोमेटिक मशीन बताई थी लास्ट टाइम वैसा हम बना रहे तो वो भी जो है उसी में आता है तो इसलिए वो वर्जित थी। है मात्र ठीक uh, है प्रभु जी हाँ, हाँ? Uh, प्रभु जी एक्चुअली uh, एक मैंने भी uh, uh, सुना था देर इज समथिंग नोन एज टाइप ऑफ भक्ति इसमें ना जैसे केवला भक्ति एंड देर इज मतलब डिवोशनल सर्विस उसमें ना एक भक्ति का लिंबी है जिसको आरोप सिद्ध भक्ति कहते हैं। हम्म hmm. इन आरोपसिद्ध भक्ति इससे वो ये कहते है कि जैसे ये अभी हम लोग जो आप त्रुटिया जो हम लोग बता रहे थे कि hmm. भक्त के कर्म में जो होते हैं दैट कैन बी ऑफर्ड टू द लॉर्ड वो हाँ, त्रुटियां है ना भगवान को ऑफर किया जाता है मतलब जो भी एंड एंड यू ट्राई टू गेट दैट इसके बारे में uh, अभी ये जो करंट कॉन्टेक्स्ट में हम जो बात कर रहे हैं कि कर्म में uh, जो जैसे प्रोपा बताते हैं कि अग्नि है तो उसके साथ मिश्रित होगा uh, ही हाँ। रहेगा तो एनी कर्मा विच हैज हैज दिस थिंग uh,

तो प्रभात उसी का विस्तार से बता रहे वर्णन नको से करता हूं तो ये जो आपने कहा ना अभी तो ये सही है तो ये माता जी ने सवाल तो इसलिए अभी चर्चा करेंगे अच्छा मैंने शेयर नहीं किया ना जिससे हम देख रहे हैं भाई यहाँ पर तो ये हालांकि अग्नि है तो लेकिन एक ही प्रकार की अग्नि में अलग अलग रंग आ रहे हैं को दिख रहा होगा स्क्रीन में तो ये अलग अलग रंग क्यों आ रहे हैं अग्नि में क्योंकि हमारा गुण कर्म अलग है और सबसे हमारा जो चेतना वो भी अलग है तो प्रपात क्या कह कि अन्य अभिलाषता शून्य मतलब भगवान की अगर भगवान को छोड़ो केवल और भगवान की हम भक्ति करेंगे दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे तो ऐसा अगर हम भक्ति करेंगे तो फिर हम बहुत प्रगत स्तर पर है क्योंकि शुरुआत के स्तर पर हम कर्म योग करें तो हम जो भी पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा कर्म है उसमें से दस टका हम भगवान को देते हैं फिर धीरे धीरे हम प्रगति करते करते फिर बाद में क्या करते हैं कि नब्बे टक्का हम नब्बे टक्का जो कर्म है हम भगवान के लिए करते दस टक्का जो है हम पाप करते हैं ऐसा हम दोष होता है ऐसा हम देखते हैं तो इसलिए हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि जिसमें हमारे जो दोष है वो कम से कम हो तो ही हम भगवान की तरफ जा पाएंगे और धीरे धीरे हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम जब इसको प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर रूप से और इसमें हम प्रोग्रेस करेंगे तो फिर हम शुद्ध हो जाएंगे तो फिर कैसे शुद्ध हो गए इसमें कहा गया कि भगवान की कृपा से तो ये अभी अगले श्लोक में आएगा तो आ, तो कैसे होंगे तो अभी यहाँ पर प्रोपा जी बता रहे हैं कि जो भी हम कार्य करेंगे उसके लिए भगवान हमारी रक्षा करेंगे और भगवान उसको स्वीकार करेंगे जो बैड पार्ट है उसको तो हम देखते हैं कि हमारे मंदिर में भी जो भी सारा दान आता है तो दान का जो है प्रसाद बनता है फिर प्रसाद भगवान को अर्पण करते हैं तो जैसे हम प्रसाद भगवान को अर्पण करते हैं तो सारा कर्म उसमें चला जाता है और फिर शुद्ध प्रसाद बन जाता है और फिर वो कर्म से रहित हो जाता है कर्म केवल कर्म से नहीं जो उसको लेगा उसको भक्ति में प्रगति भी होगी तो इस तरह से हमारी प्रगति होगी तो प्रपार क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारा फॉल्टी पार्ट है या जो भी हमारा दोषपूर्ण जो कंपोनेंट है या दोषपूर्ण जो उसमें तत्व है तो वो कम से कम रखना चाहिए और फिर धीरे धीरे हम करते रहेंगे तो फिर वो जो जो भाग है तो वो भी अगर हम भगवान को अर्पण करेंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा तो केवल भक्ति में प्रगति करने के लिए जो भी आवश्यक है प्रपद अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं माता जी आपका प्रश्न का सीधा संबंध है तो केवल भक्ति में प्रगति करने के लिए जो भी आवश्यक है हमारे गुण और कर्म के हिसाब से उसी को हमें करना चाहिए ऐसा प्रपद यहाँ पर कह रहे हैं तो ऐसा अगर हम करेंगे तो ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो इसलिए हमारा जो कर्तव्य है हमारे गुण के साथ उसको हमें त्यागना नहीं चाहिए बल्कि उसे भगवान के सेवा में लगाना चाहिए और सेवा में लगाने के बाद जो भी उसका फल आएगा उससे हमें विरक्त रहना चाहिए तो हमें फल से विरक्त होना है उस कार्य से नहीं तो ऐसा अगर हम अभ्यास करेंगे तो फिर उस कार्य में जो भी त्रुटि है वो चली जाएगी तो फिर कैसे हमारी प्रगति होगी तो पूछेगी ठीक है मैं मेरा कार्य कर रहा हूं तो फिर उसमें क्या क्या स्तर आएंगे उसमें क्या क्या स्टेशन आएंगे तो ये अगले चार श्लोक में हम चर्चा करेंगे तो अभी हम इनका उच्चारण करेंगे हमने देखा कि ये जो मैंने आपको फ्लेम शेयर किए थे ये अग्नि अलग प्रकार के तो सभी जो अग्नि भगवान के सेवा में इस्तेमाल हो सकते हैं तो जैसे इसमें कहा गया कि जब फटाके जलते हैं तो अलग अलग रंग अलग अलग अग्नि के निर्माण होते हैं लेकिन सभी जो है भगवान के सेवा में प्रिय लगते हैं सर तो हमारे जो ब्राह्मण वैश्विक शूद्र के जो कर्म है तो वो सभी प्रकार के जो कर्म जरूरी है जब हम भगवान सेवा तो इस तरह से सभी भक्त जब एक साथ मिलकर सेवा करे तो बहुत सुंदर लगता है लेकिन अभी जो शुरुआत में भक्ति कर रहा है उसको कैसे प्रगति करना चाहिए कैसे कैसे स्तर हो गए अभी भगवान यहाँ पर बता रहे हैं उच्चारण करेंगे असक्त बुद्धि सर्वत्र

पैदा ते राज्यम संपाश्रितः अहंकारं वलम दर्पम् अहंकारं वलम दर्पम् कामं क्रोधं परिग्रहं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुञ्चनिरमः शांतो विमुञ्चनिरमः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूयाय कल्पते तो इसलिए अभी यहाँ पर जो भगवान बताएंगे मैं इसका अनुवाद ही बोलता पढ़ने के लिए आ, तो अभी पढ़ते समय हमें, क्या में बता रहा हूं। तो अभी हमें भक्ति करते करते जो है हमारा कर्म करते करते भगवान को कैसे प्राप्त होगे तो ये यह भगवान यहाँ पर बता रहे तो हम जैसे कि जानते कि जो अठारहवा अध्याय है ये पूरे भगवती का सारांश है जैसे तो ये सब आप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं तेरहवा अध्याय है में तो हमने देखा कि जो बीस लक्षण है न्याय के तो वही इसमें आते एक्चुअली क्योंकि ये न्यान ही हो गए तो ये सब आपको ये जानते हमें क्या क्या करना चाहिए फिर भी हम एक बार पढ़ लेंगे तो उत्तम तो तो इसी के साथ जी फोर्टी नाइन से ना जो आत्म संयमी तथा है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता वह संन्यास के अभ्यास द्वारा करम फल से मुक्ति की यानी कि सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है जिस प्रकार इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा उसे तुम जानो अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तत्व के विषयों का त्याग कर राग तथा मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत एक स्थान में वास करता है जो थोड़ा खाता है जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णत विरक्त मिथ्या अहंकार मिथ्या शक्ति मिथ्या गर्व काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है वे निश्चय ही आत्म के पद को प्राप्त होता है हरे कृष्ण हाँ हरे कृष्ण तो ये बहुत ही आसान है तो प्रॉपर यहाँ पर उनके तात्पर्य में बताता है कि किस तरह से हमें सेवा करना किस तरह से हम स्तर बाय स्तर या स्तर प्रति स्तर हम प्रगति करेंगे तो प्रभात कह रहे कि जो व्यक्ति आत्मसंयमी भी है उसके बारे में बता रहे कि भी शुरुआत करते हैं तो प्रभात कहते कि वास्तविक वैराग्य मतलब क्या कि हमें समझ कि हमारा कुछ भी नहीं है तो समझते हमने वैरागी हो गया बहुत बड़ा वैराग्य हो गया लेकिन उसने क्या छोड़ा या हम सब भक्त हैं हम वैरागी हो हमने क्या छोड़ा या क्या त्यागा सब कुछ भगवान का ही है, हमने हमारे लिए त्यागने में कुछ है ही नहीं तो जो भी है वो सब भगवान का ही है और हम हाँ भगवान के आंच है। तो जो भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए ऐसा वो सोचता है तो ऐसा जो सोचता है वही सही सन्यासी है तो अगर हम ऐसा भाव रखेंगे मन में और ऐसा हम भाव रखकर अगर हम सेवा करेंगे तो फिर अगला जो स्तर होगा वह क्या होगा तो हमें क्या होगा संतुष्टि मिलेगी जो भी हम करें उसमें संतुष्ट समाधान होगा फिर ऐसा जो तो संतुष्ट व्यक्ति है तो जब आप व्यक्ति जब आप खुद में संतुष्ट है तो फिर आप बाहर का कुछ नहीं चाहेंगे क्योंकि जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिल रहा है तो अभी जिन लोगों ने प्रसाद खा लिया है उनका पेट भर गया है तो उनको कि मैं अभी उनको कितना कि लड्डू आ गए हैं, समोसे आ गए हैं, कचोरी आ गई है तो भी उनको कुछ विचलित मन का होगा नहीं समाधानी है क्या होगा वो आसक्त नहीं होगा तो फिर ये अगला स्तर होगा फिर अगर आप भौतिक स्तर में आसक्त नहीं है अच्छी बात है लेकिन आत्मा तो आनंद चाहता है क्योंकि जो आत्मा का स्वभाव वो क्या है सचित आनंद तो कहा आनंद जाएगा तो अगला स्तर क्या होगा उसका सारा पाप नष्ट हो जाएगा तो जब व्यक्ति ऐसा अभ्यास करते हुए जब भगवान की सेवा में नित्य रूप से लग जाएगा तो उसको बोलते हैं कि यो, योगा रूढ़ स्तर पहुंच जाएगा हम देखते कि छठे वाद में मतलब कि योगाूढ़ और स्टेज है करके और योगा आरुक्षु तो यानी क्या कि जब भगवान इस समय लग जाएगा तो फिर इस तरह से तो आप योगा में पहुंच गए फिर अगला स्तर क्या होगा फिर अगला स्तर होगा ब्राह्मण इस साक्षात का तो वो कैसे प्राप्त होगा तो भगवान यहाँ पर बता रहे तो इसलिए जब ऐसा वो स्तर पहुंचे तो क्या होगा उसका साधना परफेक्ट हो जाएगा और उसका वो कार्य त्याग कर देगा तो यहां पर अभी ये जो प्रॉपर तरी का बता रहे भगवान यहां पर पचासवें श्लोक में उसको मैं डिस्प्ले करता हूं जब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी मतलब क्या कि भगवान की सेवा में लग जाएगा अभी दो स्तर है तो जो नानी है तो वो ब्रह्मभुत को प्राप्त करेगा लेकिन जो भक्त है वो ब्रह्मभुद को प्राप्त नहीं करेगा क्यों क्योंकि जब वो भक्ति कर रहा है तो भक्ति करना ही ब्रह्मभुत स्तर के ऊपर है तो इसलिए ऑलरेडी वो उसको पार कर चुका है ऐसा प्रभाजी कह रहे हैं तो क्योंकि वो भगवान के समान सभी कार्य कर रहा है इसलिए वो क्या है मिथ्या अहंकार से मुक्त हो चुका है और वो ब्रह्म स्तर को पहुंच चुका है तो उससे क्या होगा अगला स्तर अभी बता रहे तो जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा उसका बुद्धि शुद्ध हो जाएगा तो हम सब लोगों ने चर्चा किया था कि अंतकरण क्या अंतकरण तो दिल मतलब क्या दिल साफ होना चाहिए हम कहते हैं तो दिल साफ होना मतलब क्या हृदय साफ होना मतलब क्या तो हृदय मतलब क्या तो हृदय मतलब एक हृदय नहीं है उसमें चार चीजें हैं तो आपका मन साफ होना चाहिए आपकी बुद्धि साफ होनी चाहिए आपका अहंकार स्वच्छ होना चाहिए और आपका चेतना स्वच्छ होना चाहिए तभी आप कहेंगे बुद्धि या हृदय साफ है तो इसलिए जब वो ब्रह्मभूत के स्तर पर पहुंच जाएगा जो भगवान की सेवा में लग के वो सिद्ध हो जाएगा तो उसकी बुद्धि क्या होगी शुद्ध हो जाएगी जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो फिर बुद्धि तो के अंडर क्या है बुद्धि के नीचे है मन है ना इंद्रियाणी पराणी आहू इंद्रिय परम तु मना तो सबसे नीचे इंद्रिया है इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है तो अगर बुद्धि शुद्ध हो गई तो वो मन को शुद्ध करेगी मन को नियंत्रित करेगी तो इस तरह से उसकी जो बुद्धि है वो नियंत्रित हो जाएगी जब बुद्धि नियंत्रित हो जाएगी तो फिर उसके नीचे बुद्धि के नीचे जो मन है वो नियंत्रित हो जाएगा फिर मन के नीचे क्या है सब इंद्रिया है मन चाहता है कि मैं ये खाओ इडली खाओ डोसा खाओ पूरी खाओ तो क्यों आपकी जीवा चाहती है जब मन नियंत्रित हो जाएगा तो जीवा भी वही खाएगी जो मन चाहता है तो इस तरह से आपके सारी इंद्रिया जो है इंद्रिय तुप्ती के जो साधन है वो नियंत्रित हो जाएंगे तो जब आप इंद्रिय तुप्ति से मुक्त हो जाओगे तो फिर आपको मुझे ये अच्छा लगता है मुझे ये अच्छा नहीं लगता इस दुविधा से बाहर आ जाएगा क्योंकि जो भी मिलता है आप उसको स्वीकार करेंगे मुझे यही चाहिए मुझे पानीपुरी ही चाहिए मुझे राजस्थान की ही पानीपुरी चाहिए मुझे राजस्थान की ही पानीपुरी चाहिए वो जो जोधपुर में है वही वाली चाहिए राजस्थान की जोधपुर की वो जो दुकान स्पेशल लक्ष्मी स्वीट्स में ही मुझे वो खाना है तो ऐसा जो उसको आसक्ति है तो वो चला जाएगा तो जो भी मिलेगा वो खा लेगा पानी पूरी नहीं है ठीक है सिर्फ पूरी में खा लूंगा ठीक है तो इस तरह से जब उसका नियंत्रण हो जाएगा मन के ऊपर इंद्र तो फिर वो ये जो आसक्ति और द्वेष है घृणा उससे बाहर हो जाएगा फिर जब ऐसा व्यक्ति हो जाएगा तो फिर जो बाकी लेकिन उसकी आसक्ति चली गई है लेकिन बाकी लोग तो चाट मसाला खा रहे हैं सब कुछ खा रहे हैं इधर उपकी कर रहे हैं तो फिर उनको उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा या जो दूसरे लोगों को उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा इसलिए उसको क्या होगा उसका जो संग है उसके जैसे लोग उसके हिसाब से उनके संग में जाना पड़ेगा तो फिर वो क्या करेगा उस स्थान को त्याग करके एक एकांत एक स्थान में जाएगा तो यहां पर हम देते हैं कि विविक्त सेवी आशी, तो वो क्या करेगा एकांत स्थान में जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है हमने यहां पर पढ़ा तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा बोध प्रम्बुद का जो स्तर का जो व्यक्ति वो क्या करेगा वो एकांत स्थान में रहेगा एकांत स्थान मतलब क्या जंगल में नहीं तुम देख फिर सब भक्त लोग सिटी में क्या कर रहे हैं एकांत मतलब जो भौतिकवादी वातावरण है उससे एकांत तो मतलब मंदिर में रहेगा या फिर जंगल में रहेगा तो हम देते शुक्रगोस्म गोस्वामी हर जगह अलग अलग जंगल में रहने के लेकिन हम प्रॉपर जो तो सब भक्त है मंदिर में रह रहे तो मंदिर में एकांत नहीं है बहुत सारे भक्त है लेकिन भौतिकवाद का एकांत तो है तो इस तरह से वो एकांत में रहेगा और फिर एकांत में रहकर वो भगवान की भक्ति करेगा और भगवान की भक्ति करेंगे अधिक से अधिक समय उसमें खर्च करेगा तो फिर अगर आपको अधिक समय भगवान की सेवा में लगाना है तो फिर आपको कम खाना होगा जब ज्यादा खाओगे तो फिर क्या होगा आपको ज्यादा नींद आएगी आपको ज्यादा बार टॉयलेट जाना पड़ेगा टॉयलेट जाएगा तो आपको नहाना पड़ेगा दिल लगाना पड़ेगा तो आपको समय बर्बाद हो जाएगा तो इसलिए हम देखते हैं एकादशी को हम कम से कम खाना चाहिए क्यों क्योंकि कम खाने से हम भगवान की भक्ति ज्यादा कर पाएंगे तो इसलिए वो एकांत में रहेगा कम खाएगा मन बुद्धि और वाणी को नियंत्रित में रखेगा और हमेशा भगवान के बारे में सोचेगा तो ये उसके प्रगति के अलग अलग स्तर है जैसे वो ऐसा करेगा तो क्या होगा उसका जो मिथ्या अहंकार है ये मेरा है उस उससे कट जाएगा और जब मिथ्या अहंकार चला जाएगा तो फिर सब भगवान का ही है तो फिर मुझे कोई इच्छा नहीं है मुझे कोई कामना नहीं है तो काम चला जाएगा कोई कामना नहीं है तो काम चला जाएगा फिर हमने देखा कि जो क्रोध है वो काम से आता है तो जब कोई काम ही नहीं तो क्रोध भी नहीं आएगा तो क्रोध भी कम हो जाएगा क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए थी मुझे मिले नहीं इसलिए क्रोध आया लेकिन कोई चीज मुझे चाहिए नहीं तो फिर क्रोध क्यों आएगा तो क्रोध कम हो जाएगा और अगर कामना पूरी होती तो लोभ आता है तो लेकिन मुझे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए तो फिर लोभ क्यों आएगा तो फिर मैं क्यों मेरा चीज संग्रह करूं तो इस तरह से अब आप खुद में समाधानी या संतोषी हो जाएंगे आत्मारा हो जाएंगे तो फिर आपका काम क्रोध और लोभ जो है थी नरक के द्वार वो भी खत्म हो जाएगा और फिर ये सब जब होगा तब आप क्या हो जाओगे शांत हो जाएगी लग गया लगता है इसलिए अहंकार बलम दर्पम तो इसलिए अहंकार तो मतलब मिथ्या अहंकार काम क्रोध जो है वो सब शांत हो जाएगा और वो आत्म साक्षरता के पद को प्राप्त करेगा तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस है भक्ति की तरफ फिर अभी हम अगला श्लोक पढ़ेंगे फिर उसके आगे क्या होगा हम हाँ अगले चार श्लोक पढ़ेंगे ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शौचती न कांक्षती न शौचती न कांक्षती

मत प्रसाद आपनोती शाश्वत पदम अव्यय शाश्वत चेतसा सुरकर्मा मयि संन मर

कचि तव अनहंकारा नोष्यसी विनशसी आश्रिंकार नोत्स मनसेसे

यस yes, प्रभु जी हाँ धीरे से पढ़िए मतलब समझते हुए पढ़ेंगे इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है वह ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है वह प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है और उन अवस्था उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है हाँ नेक्स्ट मंथल केवल भक्ति के भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत होता है तो वह वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है मेरा शुद्ध मेरा शुद्ध भक्त मेरे शरण शन, शरण में रहते में समस्त प्रकार के मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न बहुत छोटा है अच्छा, मोबाइल से पढ़ थी हूँ एक मिनट में ट्राई करता हूँ नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है हाँ, थी, से पढ़ आपका सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे स... मैं दूसरा फाइल ओपन में सदा कर्म करो एक मिनट एस होल्ड कीजिए एक मिनट ना मैं दूसरा फोन करता हूँ उससे पढ़िए वो इजी रहेगा एटीन पॉइंट फिफ्टी सिक्स तक हमारा हुआ था जी मैं भगवत गीता से ही पढ़ लेती हूँ है ना आपके पास तो हाँ उससे पढ़े चले यस यस ये रोज मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी क्रु... मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे लेकिन यदि तुम अहंकार चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे तुम्हें अपने स्वभावश युद्ध में लगना होगा लगना पड़ेगा इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो लेकिन हे कुंती पुत्र तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे हे अर्जुन परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा यानी भरमा रहे हैं हाँ यस यहाँ तक ही थैंक यू इसलिए अभी कर तो यहाँ तक हमने अभी देखा तो ब्रह्मभूत के स्टेज तक जो व्यक्ति पहुंच जाता है तो फिर उसको सब कुछ भगवान का अनुभव होता है भगवान से संबंध का अनुभव होता है भगवान के प्रेम का अनुभव होता है तो फिर इसलिए वो क्या है पूर्णतः प्रसन्न रहता है और उसको ना तो कुछ चाहिए होता है ना तो वो शोक करता है ना ही उसको मोह होता है हर जगह वो संभाव रखता है प्रॉपर इसका वर्णन करता है तो ये आपको सबको ऑलरेडी सब पता है एक्चुअली ये तो इसलिए क्या है कि इसमें प्रॉपर जी कहते हैं कि जब ब्रह्म मतलब क्या तो ब्राह्मण जो मायावादी लोग समझते कि ब्रह्म में लीन होना तो वैसा नहीं है तो ब्राह्मण यानी क्या है कि भगवान है तो भगवान है भगवान का भक्त है और भक्ति है तो ये तीन चीज होते हैं तभी हम भक्ति कर सकते हैं तो इसलिए जो भक्त है वो भगवान में लीन नहीं होता है वो अलग रहता है वो पूरी तरह भगवान सेवा में लग जाता है तो जब ऐसा हो होता है तो वो क्या होता है कि वो किसी को ऊंच किसी को नीचे सा भेदभाव नहीं करता हो तो उसके लिए जो है पत्थर और सोना एक ही ऐसा प्रभु जी कहते हैं तो ऐसे जो भगवान की शुद्ध भक्त है तो उसके लिए भगवान के साथ मिल जाना ये नरक जैसा हो जाता है और उसको जो स्वर्ग है वो भी अच्छा नहीं लगता और साथ साथ जो उनकी इंद्रिया है हम देखते कि इंद्रिया जो है विषय है तो विष जैसे होती है तो लेकिन जैसे साफ होता है और जहरीला होता है और उसके दांतों से हमें मृत्यु प्राप्त होती है लेकिन अगर ऐसे विषले दांत का मतलब सांप का अगर दांत तोड़ देंगे तो फिर वो कितना भी काटा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे ही ये जो हमारे इंद्रिया है जो शुद्ध भक्ति इंद्रिया है तो वो भगवान के सेवा में लग के उसके जो विषय जो दाँत है वो टूट चुके हैं तो इसलिए उसको जो भक्त है उसको भी उसकी इंद्रिया से कोई भय नहीं क्योंकि उसके सब इंद्रिया भी जो है भगवान के सेवा में लग जाती है तो इस तरह से ये बाबा जी कहते हैं कि केवल चैत्र महाप्रु की कृपा से ही ऐसा स्तर में मिल सकता है तो इसलिए हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए तो ऐसा जो भक्त है वो कभी भी बाह्य दृष्टि से लोगों को जज नहीं करता तो वो आंतरिक क्षणों से भगवान को या भक्त को जानता है तो इसलिए अगर हमें भगवान को जानना है तो भगवान क्या कह रहे हैं कि केवल भक्ति द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं और कैसे तो अगर हमें भगवान को जानते हमें भक्ति करनी चाहिए लेकिन कैसे तो एक अधिकृत जो गुरु है तो उसके निर्देश के अंदर या फिर जो शुद्ध भक्त है उसके मार्गदर्शन के अनुसार ही हमें भक्ति करनी चाहिए तो ही हमें भगवान को समझ पाएंगे तो पापा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि विद्वत्ता या फिर जो कॉलेज की डिग्रियाँ है तो उसको प्राप्त करके आप भगवान को नहीं जान सकते तो इसलिए श्लोक क्रमांक पचपन में भगवान क्या कह रहे हैं कि विषते तथा अनंतरम यहाँ पर कहा गया है तो अगर आप ऐसा करेंगे शुद्ध भक्ति करेंगे तो फिर क्या होगा कि तो ही आप वैकुंठ में जाने के लिए पात्र रहेंगे तो शुद्ध भक्ति करने के लिए जो है जरूरी है तो ही हम भगवान के धाम में जा पाएंगे तो फिर यहाँ पर मुक्ति क्या है तो प्रौपा जी यहाँ पर कहते कि जो भी गलत धारणाएं हैं तो उन सब गलत धारणाओं से मुक्त होना यह भी एक प्रकार की मुक्ति है तो फिर यहाँ पर प्रौपा जी कहते हैं कि जो मायावादी लोग हैं या जो निरीक्ष उनका सोचना है कि हम भगवान में विलीन होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है तो वहां पर उदाहरण देते कि जैसे दो पंछी है हरे कलर के तो जो भी पंछी है वो हरे पेड़ में क्यों जाता है तो वहां पर फल खाने के लिए जाता है या आनंद का अनुभव करने के लिए उसमें जाता है ना कि उसमें मिल जाता है इसलिए जो भी भक्त है वो भगवान के धाम में जाता है और भगवान में धाम भगवान के धाम में जाने के बाद भी उसका जो व्यक्तिमत्व है या जो उसका जो पर्सनैलिटी है जो उसकी इंडिविजुअलिटी है वो कभी भी नष्ट नहीं होती तो यही यहाँ पर कहा गया है तो वहां पर भगवत धाम में जाके क्या होता है तो वो भगवान की सेवा में लगता है इस तरह से कहा गया है और फिर इस तरह से भगवान के सेवा में ही लगकर भगवान को हम समझ सकते हैं और ऐसा हमारा प्रगति आगे बढ़ता रहता है तो जो निर्विशेषवादी है तो वो ब्रह्मभूत में या लीन होकर उसका वही पे समाप्ति हो जाता है लेकिन जो भक्त है वो वहां पर नहीं रुकता तो ब्रह्मभूत के आगे वो भगवान के प्रेम के तरफ प्रगति करता है तो इसीलिए जो हमारा नित्य धर्म वो क्या है भगवान की सेवा करना ऐसा इसमें कहा गया है तो फिर यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो भगवान के संरक्षण में ही रहते हैं और भगवान के लिए सारे कार्य करते इसीलिए भगवान उनको वचन देते हैं क्या वचन देते हैं है कि? कितना भी जीवन में संघर्ष हो तो हम देखते हैं कि जो भगवान के भक्ति में लगा हुआ है प्रपात जी कहते हैं तो वो दिन रात संघर्ष कर रहा है इतना सारा तकलीफ उठा रहा है तो लेकिन जो भी तकलीफ उठा रहे हैं भगवान के लिए उठा रहा है इसलिए ये अनिवार्य है या गारंटीड है कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे क्योंकि वह भगवान के संरक्षण में तो इसलिए जो भी शुद्ध भक्त है तो उसके लिए कोई भी संशय का विषय नहीं है उसके लिए गारंटीड है कि वह भगवत धाम में जाएगा ही इस तरह से प्रौपा जी कह रहे हैं तो इसलिए यहां पर अभी हाँ इस फिफ्टी सेवन श्लोक में भगवान कह रहे तो थे इसलिए क्या हमें करना चाहिए कि हमारा जो तो चेतना है हमारा जो हृदय है तो हमेशा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए और ऐसा अगर हम सचेत होकर भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर भगवान हम पर निश्चित कृपा करेंगे क्या हमें करना चाहिए ऐसा भगवान कह रहे हैं और फिर ऐसा करने से क्या होगा अगर हम भगवान में चेतना लगे तो क्या होगा तो ऐसा चित्त सर्व दुर्गा मतलब क्या कि सब प्रकार के जो संकट है तो उन सबको आप भगवान की कृपा से पार कर पाएंगे तो जो भी आपके जीवन में समस्या है वो सब भगवान की कृपा से पार हो जाएंगे ऐसा भगवान कह रहे हैं लेकिन अगर आप अहंकार वश कि नहीं नहीं मैं ये नहीं मानूंगा भगवान का नहीं मानूंगा मुझे जो मनमानी है वही मैं करूंगा अगर हम भगवान का नहीं सुनेंगे भगवान का अगर न न स्रोक्षसी तो फिर क्या होगा विनाशी फिर हम वापस हमारा जो हम जो भक्ति प्रगति किया उसका हमारा विनाश हो जाएगा तो जैसे माता जी ने कहा कि हम शराब खाना का जो भी पैसा भगवान को देंगे ऐसा कुछ गलत कार्य करेंगे भगवान का जो कहना है वो सही तरह से नहीं सुनेंगे तो फिर हमारा भक्ति का विनाश होगा कैसे तो हम अपराध करेंगे और अपराध करने से फिर हमारा सारा जो भक्ति है वो दूसरी दिशा में चला जाएगा और हम या फिर हमारा भक्ति रुक जाएगा तो सारा तहस नहस हो जाएगा तो इसलिए हमें भगवान की चेतना रख के भगवान के लिए कार्य करना है और भगवान का सुनना है ऐसा भगवान कह रहे हैं तो क्यों सुनना है तो यहाँ पर भगवान उदाहरण दे रहे अर्जुन को कि यद अहंकार दो आप अहंकार वश आप बोलेंगे मैं तो क्षत्रिय हूं है ना और मेरा जो मत है मैं वही करूंगा तो फिर क्या है यदि तुम तो मेरे निर्देशानुसार काम नहीं करोगे तो फिर और आप युद्ध नहीं करोगे मेरे करने के हिसाब से युद्ध नहीं करोगे या फिर आपका जो गुण कर्म है वो क्षत्रिय का है क्षत्रिय को युद्ध करना अनिवार्य है तो आपके गुण और कर्म के साथ अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो फिर आप कुमार्ग पर जाओगे तो मैंने जैसे कहा कि अगर अर्जुन भिक्षा मांगेगा सन्यासी बनके और फिर उसकी कोई स्त्री निंदा करेगी तो वो क्या करेगा उस स्त्री को मार देगा या उस पुरुष को मार देगा तो फिर वो क्या होगा कुमार पाप हो जाएगा ना अगर अर्जुन युद्ध भूमि में किसी शत्रु को मारता है भगवान की प्रसन्नता के लिए उसके लिए वो भक्ति हो जाएगी लेकिन वही अर्जुन जो है किसी शत्रु को मारता है क्योंकि उसको अपमान कर रहा है उसको भिक्षा नहीं दे रहा तो वही वो पाप हो जाएगा तो इसलिए अगर आप युद्ध नहीं करोगे अर्जुन तो फिर आप कुमार्ग पर जाओगे ऐसा भगवान कह रहे हैं तो इसलिए तुम्हें अपने स्वभाव व युद्ध में लगना पड़ेगा तो इसलिए भगवान कह रहे कि आपका स्वभाव क्षत्रिय का तो आपको युद्ध में ही लगना योग्य है या आपको युद्ध युद्ध में ही लगना पड़ेगा युद्ध में क्यों लगना पड़ेगा तो प्रपदा और भगवान यहां पर कह रहे कि स्वभाव जैसा आपका जन्म हुआ है तो आपके जन्म के अनुसार आपका जो स्वभाव है उसके हिसाब से आप बद्ध रहते हैं तो आपको स्वभाव के हिसाब से आपका जो प्रकृति आपको काम करने में बाध्य करता है तो लेकिन अगर आप उस स्वभाव को आप नहीं मानोगे जबरदस्ती अगर आप मनमानी करोगे तो फिर भी क्या होगा कि वो जो स्वभाव है आपको आपको बाध्य दे कर देगा वही कार्य करने में तो उस स्वभाव के द्वारा आप बाध्य कर वापस वही कार्य करोगे जो आपको प्रकृति करवाएगी तो इसलिए प्रकृति के द्वारा जबरदस्ती कार्य करना पड़ेगा जो कि भगवान की भक्ति के विरोध में होगा तो उससे अच्छा है कि आप भगवान के वही जो आपका स्वभाव है भगवान की सेवा में लगा ऐसा भगवान कह रहे हैं और फिर एकसठ में करे ईश्वर सर्वभूतान हृदय अर्जुन तिष्टी ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़िमा या तो भगवान यहाँ पर क्या करे कि इसलिए जो भी लोग जन्म ले चुके हैं उन सब के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ और सबको मैं निर्देशन कर कि आपका स्वभाव क्षत्रिय का है तो आपको युद्ध करना चाहिए आपका स्वभाव ब्राह्मण का है आपको पढ़ाई करना चाहिए तो ऐसा मैं हर एक जीवात्मा को है जो है ना मार्गदर्शन कर रहा हूं ऐसा मेरा स्वभाव है तो भगवान यहां तक हमें बता रहे तो यहां पर हम रुकेंगे और बाकी का चर्चा हम कल करेंगे तो अभी हम श्लोका का उच्चारण करेंगे किसी कोई सवाल पूछना है अभी तक यस माता हरे कृष्ण प्रभु ये एक क्वेश्चन है थर्टी टू क्वेश्चन क्लोज बुक में समोह गुण में सुख के तीन लक्षणों का उल्लेख कीजिए तो मुझे तो ये सुख सुख तो मतलब हो गया कि सुख तो है ही नहीं उसे कहाँ सुख है हाँ, तो से अंतर दुखी दुख है एक मिनट नहीं आपका कहना है सही है मैं सही है एक मिनट एक मिनट कौन सा सवाल नंबर है थर्टी टू हाँ तो आलस निदर एक मिनट तो ये आलस निदर और प्रमाद आएगा इसके अंदर हम्म वही आएगा वही वही तो, नहीं नहीं, वही है है वही हाँ, तो के <laughs> नहीं तो सुख के लक्ष्य मतलब क्या कि अभी मुझे नींद लेने में बहुत सुख मिल रहा है तो वही मेरा सुख है अच्छा ठीक है तो आपने मुझे दस चीजें करने के लिए मैंने कोई भी चीज नहीं किया आलस किया और उसी में, में मेरा सुख है की अरे चलो आलसी बन जाओ क्या करने की जरूरत सब लोग करेंगे जिसको करना है वो और एक पागलपन है कि जैसे हम देखते चिल्लाओ कुछ भी करो वही हमारा सुख है इस तरह से तो उसका सुख उसमें होता है या फिर किसी को हम नुकसान करेंगे अरे उसका देखो उसका वो गाड़ी देखो कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया वो मर गया वो हाँ हाँ अच्छा हो गया अच्छा हो गया मर गया जैसे दूसरों को दुख में देखते हुए हमें जो सुख मिलता है वो भी तामसिक सुख ही है तो इस तरह से आलस और प्रमाद जो है उसका उत्तर है हरे कृष्ण प्रभु आपने श्लोक कंप्लीट कर दिया है नहीं अभी उसको हम अगली बार वापस लेंगे

तो आप तैयारी करके रखिए। प्रभु जी हम तैयारी कर रहे करने पर के हाँ नहीं, अभी कैसे कि मैं से चर्चा करता हूँ आप, तो निर्णय लेंगे कैसा है, है आ, क्योंकि हमें साथ में ही देना है पेपर अच्छा <laughs> नहीं, तो आपका बड़ी मुश्किल हो जाती है ठीक है ना आपके जो ग्रुप वाले आप चाहे तो आप ग्रुप वाले मिलकर साथ में दे सकते हैं या फिर देखते हैं प्रशांत प्रो क्या बोलते हैं हमारे इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है सब प्रशांत प्रो प्रशांत प्रो हरे कृष्णा प्रशांत प्रो शायद नहीं वो शायद हाँ, नहीं वो शायद ऑफलाइन है माता जी आपका कुछ सवाल है किस प्रो जी कहने किस जी हाँ वो एग्जाम्स का सब भक्त पूछ रहे थे हाँ प्रो जी तो अभी कल संडे को मेरा खत्म हो जाएगा ह

और उसके बाद में वो क्ला, उसके बाद में उसका उसका एग्जाम एग्जाम होता है इफ नॉट कंफर्टेबल गिव द जैसे मैंने भी लास्ट मॉड्यूल का नहीं था सो दे दे कैन कैन इंडिविजुअली अप्रोच कभी भी एंड गिव द एग्जाम बाद में so, रबुद। रबुद। वो ऑप्शन तो है। हाँ जी? कितना हाँ माता जी अभी एक्चुअली क्योंकि ये मॉड्यूल था आई विल चेक विथ बी वी वो वो शेड्यूल हम करते हैं वो आ, किनका किनका नहीं हुआ है आई विल टेक द नेम्स अगेन तो मुझे मुझे एक चीज थी ये अपना कल तो खत्म हो रहा तो पंद्रह तारीख को अपना श्लोक का टेस्ट होगा और उसके बाद नेक्स्ट वीक अपना वो होगा ना क्लोज बुक और ओपन बुक ऐसे ही होता है ना जनरली हाँ मंत्री हाँ हाँ तो फिर ठीक है ना मतलब पंद्रह को तो अपना सिर्फ श्लोका टेस्ट ही है और उसके बाद अपना ओपन और क्लोज बुक है तो इट इज माता, तो है, है, माता जी हमको एक वीक मिल भी जाएगा माता जी पंद्रह को श्लोक टेस्ट हो गया की सोलह कोई नहीं माता जी सबका एक दिन में कहा होता है श्लोका टेस्ट दो दिन चलता है ना तो पंद्रह और सोलह श्लोका टेस्ट होगा हर बार ऐसे ही होता है एक वीक श्लोका टेस्ट होता है उसके नेक्स्ट वीक अपना ओपन और क्लोज बुक होता है माता जी उसमें भी कैसे है ना उसमें भी देखिए एक एक समय पे जब मॉड्यूल वन हुआ था ना तो मॉड्यूल वन में श्लोका टेस्ट के लिए दो टीचर्स अवेलेबल थे एक के के लिए प्रभु जी लिए तो ऑलमोस्ट वो एक दिन में वो खत्म हो गया था अभी इसमें कैसे हुआ था जो लास्ट जो लास्ट मॉड्यूल था नरसिम अवतार प्रभु ही ले रहे थे एक ही टीचर ले रहे थे तो उसको ज्यादा टाइम लग गया उसको तो अगेन ये सब है ना अवतार प्रभु के साथ मुझे डिस्कस करना पड़ेगा मैं उनसे

कि जिसका सेवेंटी फाइव परसेंट से कम है उसी को ही हम एबसेंट कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ एबसेंटेज का अभी इतना इतना ये है इतना इतना स्ट्रिक्टली हो रहा है बीवीआर uh, का तो रूल अराउंड एट्टी या एट्टी परसेंट था उसको फिर हमने ये करके क्योंकि वो मिनट्स आगे पीछे हो जाते हैं ना एंड स्टिल ठीक है इसके ऊपर विल डिस्कस इट अगेन आफ्टरवर्ड्स क्योंकि वो सैटरडे संडे ही क्लासेस हैं और सैटरडे संडे यही टाइम ऐसा है ना कुछ न कुछ रहता है तो मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि टू थर्टी ही ज्वाइन कर लूं बट फिर भी एक दोबारा ऐसा हो गया है कि मुझे पंद्रह मिनट लेट हो गया ज्वाइन करने में ऐसे हाँ, तो वो उसका बस एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर टू फोर्टी तक भी ज्वाइन कर रहे तो ऐसा ना हो कि फिर वो एबसेंट आ जाए हाँ नहीं ठीक है माता जी वो देखेंगे नहीं वो तो हम उसको पर्सनली चेंज कर लेंगे है ना क्योंकि आठ क्लासेस तो पूरा अटेंड कर रही है आपका अगर

तो उसमें कुछ कंसिडरेशन होगा क्या प्रशांत राव जी क्योंकि एक सैटरडे इनिशिएशन था और दो सैटरडे फिर वो क्लासेस uh, थी जो भक्ति हॉल में थी तो इसलिए हमको अटेंड करना जरूरी था वो प्रभु अब प्रशांत तो जी मैं इतना कहूंगा कि माता, हुआ जी, हुआ माता जी ये जो स्पेशल कंसिडरेशन है ना माता जी भक्तों को मतलब डिस्कस uh, करके ये लास्ट uh, टाइम भी है ना लास्ट के दो तीन सेशंस में कंसेशन मिला है

ऐसा ऐसा कुछ आ, मतलब नहीं हुआ था आ, मेरे साथ फर्स्ट उस भी ऐसे हुआ था वो मैराथन चल रहा था ना तो उस समय मेरा क्लासेस थोड़ा सा एक दो बीच में मिस हुआ मेरा परसेंट ये अटेंडेंस जो है सेवेंटी थ्री परसेंट आ गया ऐसे हुआ तो वो मैं फर्स्ट एग्जाम मतलब मैं दे ही नहीं पाया अटेंडेंस भी एक रीजन था

तो सबको स्क्रीन दिख रहा है तो आप अनम्यूट करके उच्चारण कीजिए मैंने सब कम्यूट कर दिया पुरुषा प्रकृति स्तोहि पुरुषा प्रकृति स्तोहि भूंते प्रकृति जान भूंते प्रकृति जानगुणान कारणमुण्डन संगस्या कारणमुण्डन सद असद योनि जन्मसु

अभी आप अनम्यूट करके श्लोक का उच्चारण कीजिए मैंने सबको म्यूट किया शो आ रहा है ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समह सर्वेषु भूतेषु

विशते तद अनंतरम विशते तद अनंतरम मन मना भव मद भक्तो मन भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कृहु माम एवशसी सत्यम ते दे। माम एवशसी सत्यम प्रतिजाने प्रियो असी